यस हाँ, सो अभी कैसा है, यू नो इट्स इट्स ऑल ऑनलाइन, सो आई फर्स्ट कंफर्म फ्रॉम यू गाइस कि लेक्चर बराबर है क्या, यू गाइस कैन सी मी। जूम पे कभी कभी होता है दैट मैं दिख रहा नहीं हूँ लेकिन स्क्रीन दिख रहा है, कभी कभी मैं दिखता हूँ स्क्रीन नहीं दिखता, कब मेरा आवाज नहीं आता, समटाइम्स द वॉइस इज बफरिंग एंड ऑल्सो। आई नॉर्मली यू नो स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम दिस, इट्स अ न्यू नॉर्म बट वी हैव ऑल अडेप्टेड यू नो टू ऑल दिस न्यू चेंजेस इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, येस। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट लेक्चर्स। वील ट्राई एंड एंश्योर दैट ऑल द लेक्चर्स जितना हो सके आर कंडक्टेड थ्रू दिस मीडियम, दिस इज वॉट द स्टूडेंट्स ऑल्सो कंफर्टेबल विथ। एंड येस, अभी तो खैर क्या है, सम लेक्चर्स आई मीन सम फैकल्टीज यू नो कैनॉट कम डायरेक्टली इन आवर ऑफिस, सो इन सम केसेज लेक्चर जूम पे होंगे एज यूजल एंड सम केसेज लेक्चर ऐसे होंगे। सो आई होप दिस इज फाइन, दिस इज ऑडिबल विजिबल बोथ, एंड दिस इज हाउ द स्क्रीन यू नो कीप्स ऑन चेंजिंग, सो इफ आई वॉन्ट टू एड्रेस समथिंग आई विल यू नो राइट हियर, तो दिस कैन बी यूज एज अ टेक्स्ट बुक ऑल्सो और नोट्स ऑल्सो। तो आपको स्क्रीन पे देर बी वन विंडो वेर आई विल शेयर द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एंड देर बी वन विंडो जहाँ पे आई विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड दैट विल ऑल्सो बी विजिबल। सो ऑल सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वेलकम टू इंटर सी ए एंड वेलकम टू बेंच मार्क्स एज वेल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोज टू ऑल यू गाइज फॉर यू नो सेलिंग थ्रू दिस वेरी टॉपसी टर्वी ईयर, जहाँ पे यू गाइज आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटिंग एट होम, यू गाइज हैव नॉट यू नो मेट योर फ्रेंड्स प्रोबेबली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेक्चर्स आर ऑनलाइन, यू नो कोई ऑनलाइन लेक्चर देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, किसने लेक्चर मिस कर दिया, वो बैकअप्स देख रहा है, यू नो इट्स बीन अ वेरी वेरी डिफरेंट वेरी यू नो डिफरेंट ईयर एंड अ चैलेंजिंग वन एज वेल। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज फॉर पुलिंग ऑफ योर 12th एग्जाम लाइक दिस, यू नो फ्रेंकली तुम्हारा एग्जाम तो हुआ नहीं है, सो इट्स अ वेरी वियर्ड ईयर जहाँ तुम लोग सब घर पे ही बैठे हैं, यू गाइज आर यू नो हैव नॉट गिवन द 12th का एग्जाम्स, यू गाइज हैव गिवन सी ए फाउंडेशन, वो भी पहला मई में था, फिर जून में पोस्टपोन्ड हो गया, यू नो फिर जुलाई में हो गया, सो वेल यू गाइज हैव पुल्ड ऑफ समथिंग, ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ आई वुड से, बिकॉज तक रिजल्ट आया नहीं है, बट होपफुल यू गाइज विल क्लियर। सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर यू नो सिटिंग थ्रू दिस ईयर एंड फोकसिंग ऑन योर सी ए फाउंडेशन एग्जाम्स, मेकिंग द डिसीजन टू गिव द एग्जाम्स इन जुलाई एज द केस वॉज, बिकॉज तुम्हारा एग्जाम्स 12th का हुआ नहीं हुआ पोस्टपोन्ड हुआ, यू नो ऑल दीज वेरिएबल थिंग्स वर देयर, सो इट इट्स अ बिग क्रेडिट टू यू गाइज टू हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ यू नो टू फोकस ऑन द एग्जाम्स एज वेल, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग मेनी ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो गिविंग द एग्जाम्स इन नवंबर, दिस बींग अ वेरी फर्स्ट ईयर, तुम्हारा पहली बार एग्जाम 12th के तुरंत बाद हो गया है, सो यू गाइज टुक अ कॉल ऑफ गिविंग द एग्जाम अर्ली विच वॉज आई थिंक अ गुड कॉल बिकॉज यू विल एंड अप सेविंग 6 months, एंड फ्रेंकली एनी वे यू गाइज आर सिटिंग एट होम, यू गाइज वर यू नो यू गाइज वर सिटिंग एट होम, यू गाइज हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू यू नो टू स्टडी फॉर बोथ सी ए फाउंडेशन एंड 12th, सो वेरी वियर्ड ईयर, सो गुड ऑल ऑफ यू गाइज को अ वेरी बिग थम्स अप। सो सो वेलकम टू बेंच मार्क्स, आई सो द फर्स्ट कपल ऑफ द फर्स्ट आज समथिंग वी हैव टू डू इट बाय चैट ओनली एज ऑफ नाउ, येस वी डू हैव द ऑप्शन ऑफ यू नो अनम्यूटिंग एंड स्पीकिंग ईयर, आई हैव टू इंसर्ट यू नो अ हेडफोन एंड ऑल, बट आई डू दैट, सो दैट कैन ऑल्सो वर्क आई थिंक, आई जस्ट चेक द टेक्निकल कैपेबिलिटीज, आई थिंक दैट शुड बी फाइन, सो वी कैन येस सो अनम्यूट करके भी हो सकता है, जनरली स्टूडेंट्स प्रिफर टू चैट यू नो, फिर वो एक जन बोलता है दो जन बोलते हैं एक साथ बहुत जन बोलेंगे, सो वी ऑल्सो प्रिफर की चैट पे यू नो यू कैन पोस्ट क्वेरीज एंड वी विल आंसर इट लाइव लाइक दिस, येस हाँ। सो कहाँ था मैं, हाँ सो फर्स्ट आज के लेक्चर का फर्स्ट मैक्सिमम टाइम तो आई जस्ट टेक यू गाइज थ्रू इंटर सी ए इन जनरल, आई विल टेक यू गाइज यू नो थ्रू वॉट यू गाइज आर गोइंग टू गेट फ्रॉम बेंच मार्क्स फॉर इंटर सी ए एंड लिंक्ड यू नो स्टडीज एंड ऑल, तो वो अपन वो पहले डिस्कस करेंगे एंड देन यू नो इफ टाइम परमिट्स वी विल स्टार्ट विद कॉस्टिंग, सो आई टेक अप कॉस्टिंग एज वेल, माई नेम इज अंकुश इफ यू गाइज डोंट नो, सो मेनी ऑफ यू गाइज हैड कम टू द क्लासरूम टुडे फॉर बुक्स कलेक्शन एंड आई थिंक देर आर 3 or 4 बुक्स स्टिल लेफ्ट, तो आई थिंक सम ऑफ यू आई थिंक आई हैव नॉट टेकन द बुक्स, इज इट तुमने बुक कलेक्ट किया है कि नहीं किया है, देर शुड बी एटलीस्ट 3 or 4 ऑफ देम हू डोंट हैव द नोट बुक्स और टेक्स्ट बुक्स, ऐसा है कोई बताइए चैट पे, हैज एनी वन नॉट कलेक्टेड द स्टेशनरी, समीरा सेज येस सर, मतलब समीरा एक रह गई है, ओके शी हैज नॉट कम टू कलेक्ट, प्रियल सेज येस, समीरा सेज आउट ऑफ टाउन, ओके सो ओके आउट ऑफ टाउन होने के बाद भी तुम लेक्चर देख रहे हो, वेरी गुड गुड डेडिकेशन, प्रियल हैज नॉट टेकन, ओके एंड तीर्थ आई थिंक हैड मेंशनड मी दैट ही विल कलेक्ट लेटर, ठीक है सो हाँ वो 3-4 बुक ही एक्स्ट्रा है अपने पास, ठीक है फाइन, सो लेट अस बिगिन, फर्स्ट आई विल जस्ट टेक यू थ्रू
a simple orientation process as to what you guys are going to have in the next couple of months ahead. So, well, first of all, you guys have just given CA Foundation. I would say it is now done. So, jo foundation mein ho gaya, papers were easy, papers were difficult. Tumko kuch yaad hai, nahi hai, ye sab pehle bhul jao. And I would say it is almost dusted because, see, ab tak results aaya nahi hai. You know, no matter how much we also want and you also want that you guys should clear CA Foundation, there's an outside chance ki maybe a couple of you may not clear. That may not, or that is not the end of the road. Like, trust me, yes, it's you know, a little disappointing, normal hai, but you guys should be able to clear the exams, you know, because tumhara exams bahut jaldi hua tha for, you know, 12th and CA Foundation ka gap kafi kam tha, so you guys must have studied and given the exam, so no problem about that. But in case wo nahi hota hai, so please do not get so dejected that course chhodna and all. So it is just another exam. So you guys had maths, accounts, eco, law, BCK. One good news for you guys is the fact that maths will no longer come in any of the future exams you guys are going to give, you know, be it inter CA or be it final CA. This was your last encounter with maths, and taking a feedback from all the students who had come today for books collection, I got a, you know, feedback that maths paper thoda difficult aaya tha. Bataiye, thoda out of syllabus questions the, is that the case? Public bol raha hai, yes sir, yes sir, yes sir, yes, I understand. Yeah, so I heard from a couple of faculties and the students that some trigonometry questions were there, so I understand ki thoda sa band baj gaya hoga, but dekho, it must be hardly 4 or maximum 5 marks jo yahan wahan se aaya rahega. So I don't think, you know, 4 or 5 marks of out of syllabus content will be able to, you know, pass or fail. You know, you guys should sufficiently study in such a way that you guys should comfortably pass. So 3-4 questions plus, 3-4 questions minus should not make a difference. So your level of preparation should be such that even if aisa kuch anap shanap question mein aaye, jo abhi you guys know aa sakta hai. So it can happen in CA Foundation, it can happen in CA Inter as well. Although it doesn't happen very, very common. It's not very, very common. But yes, you should be prepared to, you know, take it on your chin ki theek hai bhai, maine padha tha but something came out of syllabus. Now you can't sit and cry ki aisa ab, like, ab main kya karu, mera char mag gaya, ye wo. It's okay, all these things happen. So jo ho gaya wo ho gaya. The only thing you guys are going to see in your CA Inter out of this is going to be accounts. Obviously any chapter of accounts is not going to be a part of CA Inter. Abhi you guys must have done BRS, rectification, consignment, joint venture. नहीं, joint venture I think delete होगा तुम्हारे इसमें. There is final accounts, NPO. See, all these things are there in your CA Foundation. You guys are expected to know all these things because a couple of adjustments from CA Foundation can come in CA Inter. For example, there could be a sum जहाँ पे एक adjustment BRS का है. So you cannot argue that हमारे syllabus में BRS नहीं है. So how can a chapter contain an adjustment from BRS? The ICAI expects that if you guys have cleared foundation, you guys should remember what was BRS, you guys should remember what rectification was, and you need to know all these basics. Obviously, we will not ask difficult level questions from there, but the basic questions will be asked, and you guys are expected to know the basics from all these chapters. So done and dusted ka matlab ye nahi ki ho gaya, matlab pura bhuli jao. You guys need to be conceptually strong, you know, to apply all those things you guys have learnt in a couple of adjustments at least in CA Inter. Having said that, you will not get a full sum of BRS, you will not get a full sum of rectification, lekin concepts kahin na kahin use honge. Theek hai, ab tak batao tumko main jo bol raha hu samajh mein aa raha hai? All clear ab tak? I need to know, beech mein puchna padta hai, beech mein, because I need to know if you guys are there or not. Tum log aise video on kare kahin ghul mat ho jana. Like, so I guess this, so I think all these things must be done in college lectures, if I'm not wrong. Wo Zoom ka account add karke tum apna mauj mein karte ho ki nahi karte ho? Public soch raha hai, haan bole ki na bole. Your entire college last year was online, right? Public soch raha hai, haan bolu ki na bolu. College mein, oh, Niharika says college mein sab karte hai. So she is not taking the blame कि हाँ मैं करती हूँ, सब करते हैं, मतलब मैं भी निहारे का आपके भी लिटिल स्मार्ट कॉलेज में सब करते हैं, हाँ यस सर, सब पता है हम लोग को.
Yes, so these things will obviously not happen here because I'll keep on asking you questions and you guys have to answer through chats. So मुझे मालूम पड़ ही जाएगा कि कितने लोग हैं, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं. यू नो ऑल दीज थिंग्स विल हैव टू बी चेक फ्रॉम माई एंड आई विल डू एंश्योर यू गाइज टेक पेन्स टू अटेंड द लेक्चर्स लाइव. आई कम टू ऑल द डिटेल्स लेटर. बट येस, सो सी ए फाउंडेशन इज गॉन, अकाउंट तुमको आएगा. इको, येस, इको विल बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. एंड लॉ, लॉ विल बी वन फुल सब्जेक्ट एट सी ए इंटर. तुम्हारा पूरा पूरा एक 100 मार्क का सब्जेक्ट है लॉ. आई थिंक इन सी ए फाउंडेशन यू गाइज वर इंट्रोड्यूस्ड टू कंपनी लॉ, बराबर क्या? एम आई करेक्ट? येस, यू गाइज वर इंट्रोड्यूस्ड टू लॉ. आई थिंक यू गाइज मस्ट बी हैविंग पार्टनरशिप, यू गाइज मस्ट बी हैविंग सेल ऑफ गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई थिंक एल एल पी भी होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन जस्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन यू नो टू कंपनी लॉ. इज दैट करेक्ट? पब्लिक बोल रहे हैं अभी मुश्किल से सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया है, फिर याद दिला रहे. यस यस यस, चलो अच्छी बात है, करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है, सो लॉ विल कम इन द फ्यूचर, इको विल कम इन द फ्यूचर, अकाउंटिंग तो तुम्हारा सीए फाइनल तक है, सो डोंट वरी अबाउट अकाउंट्स. बट थैंकफुली देर इज नो मैथ्स, देर इज नो बीसीके, देर इज नो बीसी ऑब्वियसली. सो दैट वाज जस्ट अबाउट व्हाट यू गाइज हैव डन. देन टॉकिंग अबाउट योर अटेम्प्ट, इट्स अ वेरी स्पेशल बैट दैट यू गाइज वर अ पार्ट ऑफ. रैदर फर्स्ट टाइम द एग्जाम्स हैपेंड इन जुलाई एज अ मेन अटेम्प्ट. Yes, you know, previous year the exams happened in November and then an opt-out option was given, जहाँ पे people had given the exam in Jan as well. May 20 तो हुआ ही नहीं, May 20 exam was cancelled, तो उन लोग भी काफी यूनिक बच्चे थे जो एग्जाम ही नहीं हुआ. सो यू गाइज आर अ वेरी स्पेशल अटेम्प्ट गाइज दैट यू गाइज हैव गिवन द एग्जाम इन जुलाई, जुलाई एंड. इट इज अ फर्स्ट बैच ऑफ इट्स काइंड. दिस बैच हैज बीन कंप्लीटली ऑनलाइन. यू गाइज मस्ट बी नोइंग आई हैव नॉट कंडक्टेड एनी सी ए फाउंडेशन लेक्चर फेस टू फेस. I guess you guys have not attended any lecture, I think for 12th also. Okay, have you guys attended any 12th standard lecture face to face? कोई भी lecture 12th standard की वो भी नहीं. No sir, all Zoom, Zoom जिंदाबाद. Yes, last 11th ही. हाँ, so last like तुम्हारा FIAC हुआ रहेगा, which you guys must have gone to college. So it's a very special batch, and you guys have also, it's very special batch in, you know, in multiple ways. You guys have also studied CA Foundation and 12th simultaneously. Since you guys have decided to give the exam in May, in spite of you having an option to give the exam in November, you guys must have studied 12th and CA Foundation simultaneously. So it's very unique there as well. First time history mein tumhara SYGC ka exam hi nahi hua hai. Barabar na? Tumhara kuch online exam hua kya SYGC ka? I heard last time kuch to hua tha. 12th board some internals happened. जस्ट थ्रो सम लाइट. ध्रुमिल बोलता है नसीब. नसीब नो सर. प्रदाई सिंह एमसीक्यू क्वेश्चन हैपेंड. ओके, सो वॉज दैट ऑप्शनल और वॉज दैट कंपल्सरी? इंटरनल्स हुआ ऑनलाइन, कंपल्सरी. ओके ओके, ठीक है. हाँ, सो तुम्हारा तुम्हारा एक स्पेशल अटेम्प्ट ये है, नो नीड टू स्टडी ऑब्वियसली. सो आई थिंक दोज ऑल दोज थिंग्स मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन टू गिव एन एवरेज स्कोर इज वॉट आई बिलीव. सो ऑल दीज थिंग्स आर जनरली मेकिंग यू गाइज अ वेरी स्पेशल बैच. एंड द लास्ट थिंग, यू आर येट टू अटेंड डिग्री कॉलेज. आई थिंक तुम्हारा अब तक डिग्री कॉलेज का एडमिशन हुआ नहीं है. आई वॉज रिसीविंग लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स विच कोर्स टू सिलेक्ट. बी कॉम के भी कुछ 15-16 टाइप्स है. देर इज बी कॉम ऑनर्स, देर इज बी कॉम विथ सम न्यू कोड, देर इज नॉर्मल बी कॉम, देर इज ऑटोनॉमस बी कॉम, एंड गॉड नोज. सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो देर. सो इट विल टेक सम टाइम एंड यू गाइज विल स्टार्ट कॉलेज होपफुली फेस टू फेस और ऑफलाइन एज द केसेज. सो अ वेरी स्पेशल अटेम्प्ट यू गाइज. आई एम इन एस वाई बी कॉम. ओके, वरुण इज इन एस वाई बी कॉम. ओके, बट मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम एफ आई बी कॉम आई बिलीव. देन कमिंग टू द बिजनेस अबाउट सी ए इंटर. दिस विल जस्ट गिव यू गाइज वॉट यू गाइज आर going to attempt in the exam in the month of May. So as you guys can see, there are two groups. There is group 1 and there is group 2. Some guidance on it. Okay, Harsh, guidance regarding your BCom admissions, frankly, everything now is so new. I'll give you like a fact. We had done our college ke admissions way back in 2005. It's been 15 years that we have given our degree college and the forms, and we had only one form to fill. अभी कोविड के पहले इतने सारे फॉर्म्स थे, वो हमको थोड़ा सा आइडिया था. पोस्ट कोविड तो वी एब्सोल्युटली हैव नो क्लू बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन. पहले क्या था, पीपल यूज टू कम टू आर क्लासरूम, दे यूज टू गेट अ फोटो ऑफ दैट फॉर्म, व्हाट टू सिलेक्ट, व्हाट नॉट टू सिलेक्ट, सो वी कुड गाइड देम. अभी
सो मेनी चेंजेस हैव हैपेंड, द प्रोसेस इज ऑल ऑनलाइन, वी हैव एब्सोल्युटली लेसर क्लू ऑफ विच ऑप्शन टू सिलेक्ट, वॉट कैन बी डन, हम लोग को इतना आइडिया है नहीं. एंड आई बिलीव दैट यू गाइज हैव सो मेनी फ्रेंड्स दैट यू गाइज डेफिनेटली हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन अस. सो आई वुड सजेस्ट कि तुम अपने फ्रेंड से पूछ लो कि क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू गिव सो मच इन्फॉर्मेशन दैट द गाइज आर फिजिकली इन्वॉल्व इन एन एडमिशन कैन. सो हम लोग एज ऑफ नाउ, मे बी आफ्टर अ कपल ऑफ अटेम्प्ट्स वी विल हैव अ क्लू एज टू विच फॉर्म टू सिलेक्ट और विच ऑप्शन टू सिलेक्ट. सो एज ऑफ नाउ वी आर अ लिटिल हैंडीकैप्ड एज फार एज द नॉलेज इज कंसर्न फॉर एडमिशन. जितना नॉलेज लिमिटेड वी हैव, वी कैन हेल्प यू गाइज आउट. सो जस्ट गेट इन टच विद अस, इफ वी नो समवन हु इज डूइंग इट, वी विल पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू यू. Yes, talking about CA Inter, I hope this is fine. Yeah, talking about CA Inter, there are two groups as we have discussed, group 1 and group 2. Each has 4 subjects. So, initially in the old course, there used to be one group of 4 subjects and the second group of 3 subjects. And second group, mein, there were many theory papers. So, that made passing in group 2 very, very difficult. Now, it is evenly poised. 4 subjects here, 4 subjects there, and the practical subjects ka section is also equally distributed, so scoring can happen equally. So let's talk of each subject. So first obviously the accounts. So there are two accounts. I can see group 1 accounts and there is group 2 also advanced accounts. So accounts mein kya hoga? There is a mix of company accounts, which I think you guys must have left in option in CA Foundation. Tumhara issue of shares, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब किया या ऑप्शन में छोड़ा? पब्लिक सोच रहा है, राज बोल रहा है ऑप्शन. सैफुद्दीन सिंह, आई लव दो शब्द. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सॉल्व इट, किया था सर, डन डन. ओके, वेरी गुड. सो इफ यू गाइज, ओके ऑप्शन, ओके इफ यू गाइज हैव लेफ्ट कंपनी अकाउंट्स फॉर ऑप्शन, देन वो इस टाइम इंटर में नहीं चलेगा. Because accounts 1, accounts 2 combined, there is almost 50% company accounts and 50% non-company accounts. You will see a lot of company accounts in advanced accounts being paper 5. So if you name the papers in number of order 1, 2, 3, 4. So paper 5 is advanced accounts. Usme kafi company accounts hoga. So you guys have to study company accounts in detail because a lot of syllabus, a lot of weightage is going to be attached to company accounts related chapters. So accounts 1 mein, I would say there is a 70-30 split of non-company accounts based chapters and company accounts based chapter. Fairly interesting because tumhara non-company accounts based chapter kafi interesting hai chapter. There is your single entry, there is your branch accounts, there is department accounts. All these chapters are fairly conceptual, will give you a good accounting information. Then you guys have law. Law is a full-fledged 100 mark paper, that is paper number 2. Fairly scoring. And jitna ho sake, you guys will have to remember section numbers as well. So right from day one, you guys will have to focus on remembering section numbers because that is how your answers are going to be different or better than the rest of the students. Because if you simply write as per this law, so and so, so and so, so and so, so it doesn't add weight, it doesn't add importance or substance in your solution. A section number attached to it will do wonders. So right from day one, I would advise ki tum section numbers ek page, at least the important ones, ek page pe likh lo. Wherever you guys sit for studying, uske samne laga do. So you guys will see the sections every day aur wo dekh dekh ke tumko yaad reh jayega. It's a very good strategy. You can just keep all these things on a board or wherever you guys sit for studying. And I'll advise that you guys sit at a proper place to study. Abhi ghar pe ho, तो ऐसे मस्त लंबे होके सोफा पे बेड पे ऐसा मस्त उल्टा सुल्टा देख के आईपैड पे ऐसे लेक्चर मत देखो. सो प्लीज हैव अ प्रॉपर टेबल, चेयर, नोट्स, एवरीथिंग. इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट ऑलवेज अ वन गुड प्लेस टू स्टडी, वन डेडिकेटेड प्लेस, तुम डिसिप्लिन से बैठोगे. सो इट नोइंगली अननोइंगली इज गोइंग टू हेल्प यू इन मच, इन मेनी वेज यू गाइज विल नॉट रियलाइज. सो वो एक है. Then third, paper 3 is costing. So your paper 1 accounts and paper 3 costing, I will be covering that. So costing is a 100 mark paper. In the old course, costing was 50 marks. And if you guys can see paper number 8, that is last, can you see financial management? I think I'll be able to mark here. Yeah. So costing was tumhara 50 marks and FM was 50 marks. And
द सिलेबस वॉज एक्स तो फ्रेंकली कॉस्टिंग में जितना पोर्शन 50 मार्क के लिए था उतना ही पोर्शन 100 मार्क के लिए है. सो इमेजिन यू गाइज वर स्टडिंग 15 odd chapters. यू गाइज मस्ट बी हैविंग यू नो कॉस्टिंग का टेक्सट बुक इन योर हैंड्स. मोस्ट ऑफ देम देर आर 15 चैप्टर्स इफ यू गाइज हैव सीन द इंडेक्स. 15 चैप्टर थे उसमें से एक चैप्टर नहीं था पहले. सो 14 odd chapters टू स्टडी फॉर ओनली 50 मार्क्स. इट वॉज एक्सट्रीमली अनफेयर. एंड FM के भी और 8-10 चैप्टर थे. सो इट वॉज वेरी अनफेयर दैट इतना सारा पढ़ना है एंड सिर्फ 100 मार्क के लिए FM कॉस्टिंग कंबाइंड. सो थैंकफुली ICH हैज जस्ट रियलाइज इट एंड नाउ कॉस्टिंग इज फॉर 100 मार्क्स एंड देन दे हैव स्प्लिट FM विद इकोनॉमिक्स टोटल फॉर 100 मार्क्स. सो आई वुड से अकाउंट्स 1 कॉस्टिंग दीज आर एक्सट्रीमली स्कोरिंग यू नो सब्जेक्ट्स. इफ यू गाइज हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे इफ यू गाइज सी द पास स्टूडेंट्स के मार्क्स यू कैन सी अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 कॉस्टिंग पीपल हैव स्कोर 70s इवन 80s इवन हायर 80s. वी हैव गॉट अ मेरिट रैंकर इन द नवंबर 19 का अटेम्प्ट. वी हैव गॉट अ मेरिट रैंकर इन सी ए फाउंडेशन एज वेल लाइक इन नवंबर 19 अटेम्प्ट. सो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है. पब्लिक को रैंक मिला है, पब्लिक को 80s में मार्क्स मिला है. सो इट इज पॉसिबल टू स्कोर 80+. आई वुडंट से 100 लेके आओ, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल. आया तो अच्छी बात है बट येस अ वेरी रियलिस्टिक टारगेट कैन बी डेफिनेटली 80+. 90 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बट यू गाइज कैन टारगेट. आई एम बींग वेरी रियलिस्टिक एंड 80+ इज डेफिनेटली अचीवेबल. एंड एज यू गाइज कैन सी बिहाइंड आर टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स वी हैव गिवन द स्कोर्स ऑफ हाइएस्ट स्कोर्स. पब्लिक को 80-80 मिला हुआ है. सो इट्स नॉट ऑब्वियसली इम्पॉसिबल. हमारे सामने पीपल हैव स्कोर्ड. देन देर इज पेपर नंबर 4 विच इज सर विच ऑफ दी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैवी थियोरी. ओके योर थियोरी पेपर इज लॉ. योर थियोरी पेपर इज गोइंग टू बी पेपर नंबर 6 ऑडिट. पेपर नंबर 7 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड SM. दीज आर फुल्ली थियोरी. योर इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो थियोरी विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. सो हैवी थियोरी वाले तुम्हारे मेजर 3 है लॉ ऑडिट EIS दैट इज पेपर नंबर 7. रेस्ट आर मेनली प्रैक्टिकल. येस FM इज प्रैक्टिकल, अकाउंट्स प्रैक्टिकल, कॉस्टिंग प्रैक्टिकल, DT इज अ मिक्स. आई एम लाइक कमिंग टू पेपर नंबर 4 ऑल्सो. IDT इज ऑल्सो मिक्स. सो प्योरली थियोरी इज ऑडिट, EIS, SM, प्योरली थियोरी. येस येस. सो टॉकिंग अबाउट पेपर नंबर 4, दिस इज द बाय फार द मोस्ट वास्ट यू नो सब्जेक्ट. आई वुड से डायरेक्ट टैक्स इन इटसेल्फ इज वन सब्जेक्ट and indirect tax in itself is one entire subject. When you guys will receive the modules for DT IDT, वो उतना ही मोटा होगा जितना एक 100 mark का module है. I'm not scaring you guys, but you guys need to know what inter CA is all about. Only then will you guys realize तुमको कितना पढ़ाई करना है. So direct tax very very interesting. You guys are going to learn how taxation is done. Taxation of individuals, how to compute tax for salaried people, how to compute tax for a business, how to compute tax if you sell a share, how to compute tax if you sell a house, usme taxation kitna lagta hai. So you guys will be able to actually help your parents, you know, to file income tax returns in case of salaried, you know, parents. It's definitely very simple because they get a form 16. Yeah, tumko abhi sab they could samjhega nahi, but you will understand when you do taxation. All you have to do is go to the website, put your income, compute the income jo exempt hai, matlab jo taxable nahi hai, compute taxable income and then compute taxation. So you will be able to do a taxation, very basic. I mean, you won't be able to have clients and all, but you guys can definitely be a helping hand to your parents, absolutely sure about this. So very interesting and very new subject for you guys. So काफी इंटरेस्टिंग होगा. कमिंग टू इनडायरेक्ट टैक्स, तुम्हारा GST, यू नो GST इज अ वेरी हॉट सेक्टर राइट नाउ. सो GST इज ऑल्सो यू गाइज विल बी एबल टू नो हाउ GST इज कलेक्टेड, हाउ GST इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेसेस, हाउ डू यू क्लेम क्रेडिट इफ यू गाइज हैव पेड GST, हाउ कैन यू टेक द क्रेडिट ऑफ GST पेड. तुमने यहां से कलेक्ट किया है, तुमने GST किसी को पे किया है, उसको नॉक ऑफ कैसे करते हैं, विच फॉर्म इज टू बी फिल्ड, वॉट आर द ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ GST, what is the penalty if GST is not paid, what compliances have to be done, all these things you guys are going to learn in GST. So direct tax I would say is 60% practical and 40% theory, because tumko theory padhna padega and only then you are going to be able to apply the theory on the questions. So if I simply tell you ki ye salary hai, to salary ke do teen parts hote hain, you know, there is perquisites, there is basic salary, there is your rent allowance, transport allowance, your bonus, etc., etc. So some aspects are taxable, some are not. So you guys are going to learn the theory
दैट इज मोर लाइक अ थ्योरी, एंड देन वो तुम थ्योरी सीख के सम्स पे अप्लाई करने वाले हो. सो इट्स अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. आई वुड से सेम थिंग फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एज वेल. यू गाइज आर गोइंग टू हैव थ्योरी फर्स्ट कि भाई वॉट इज जीएसटी, क्या रूल्स है, कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट है, कौन से रेट्स पे कितना परसेंट जीएसटी है, थिंग्स लाइक दिस. एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू सॉल्व अ क्वेश्चन एज टू ये सिचुएशन है, कितना जीएसटी पेबल है, कितना जीएसटी क्लेम कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स यू गाइज आर गोइंग टू लर्न. सो अगेन अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. सो एनी क्वेरीज एज फार एज ग्रुप वन सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड, पहले वो बताइए, देन वील जंप टू ग्रुप टू. टेल मी. एनी क्वेरीज फॉर ग्रुप वन? यस तो यस, नो तो नो. नो नो नो, नथिंग टिल नाउ. नो नो. ओके ग्रेट, ठीक है. देन कमिंग टू पासिंग, यू गाइज मस्ट बी नोइंग, यू गाइज हैव टू स्कोर, यू गाइज हैव टू स्कोर 40 मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट टू पास द इंडिविजुअल सब्जेक्ट. तुमको अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, डीटी में सब में 40-40 मार्क्स लेके आना है तो ही तुम सब्जेक्ट पास करोगे. बट इफ यू स्कोर 40 इन ईच, योर टोटल इज गोइंग टू बी 160. बट यू गाइज हैव टू स्कोर टोटल 200 मार्क्स टू गेट थ्रू द एंटायर ग्रुप. सो इट्स 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड इट इज कॉल्ड 50% एग्रीगेट टू क्लियर अ ग्रुप. सो इफ यू गाइज यू नो गेट 45-45-45-45, दैट विल मेक योर स्कोर 180. सो इंडिविजुअली यू गाइज हैव क्लियर ऑल द फोर सब्जेक्ट्स, बट देन यू विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू गिव द एंटायर ग्रुप बिकॉज यू हैव नॉट पास्ड द 200 मार्क. ये तुमको समझा, 40% स्कोर एंड 50% एग्रीगेट. बताइए. Yes, 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 yes. ठीक है. Now let's take another example. You guys must have scored 55 in accounts, 60 in law, 70 in costing. लेकिन DT में आया 39. So if you add up all the scores, it is going to be 200 plus because you guys have scored well in 60, 70, whatever. लेकिन still, since you guys have not cleared one subject, unfortunately the entire group has to be given again, except those subjects in which you score 60 and above. 60 is said to be the exemption category. So 60 tum score karoge aur agar tum group 1 mein clear nahi honge, so 60 wale subjects tumko wapas dene ka zarurat nahi hai is what is the rule. Any doubts about this exemption and all these things? So 200, ha, so it is very cruel that you know somebody has scored 200 plus lekin ek subject mein uska reh gaya and because of that he has to give the entire four subjects again, and the same rules obviously are going to apply to group 2 as well. Talking about group 2, the first is going to be advanced accounts. So advanced accounts is as the name says, these are advanced level questions and tumhara isme thoda heavy company accounts aane wala hai. You know, chapters like amalgamation of companies, chapters like internal reconstruction, you know, chapters like consolidation of final accounts, chapters like buyback of shares, banking company ke accounts, all these are heavy chapters. Length thode bade hai questions ke bhi, solutions ke bhi, and it is more of company accounts as compared to non-company accounts ka greater syllabus in accounts 1. So again, it is a practical question, and yes, accounts 1 and accounts 2 are also going to have something called as accounting standards. Have you guys heard about accounting standards? Bataiye. Yes, yes, yes. I think, yes, in CA Foundation, you guys must have only learned the standard numbers and the names. Tum log andar ghuse nahi honge, which is obviously not a part of syllabus, so not required. In CA Inter, you guys are going to have more than 25 accounting standards. 12-13 accounting standards are going to be in accounts 1, and around the same 10-12 standards are going to be a part of accounts 2. So accounting standards is more of theory because these are special accounting wale standards. You know, for example, amalgamation, I'll just give a simple example. Amalgamation is, you know, doesn't happen every year, so it's a special transaction. So in case of a special transaction, the accounting body gives a special treatment ka guidances, and that is accounting standards ki isko kaise accounting karte hai. Goodwill, तुम्हारा अकाउंट कैसे करते हैं, what entries have to be passed for purchase goodwill,
हाउ मच गुडविल हैज टू बी रिटन ऑफ, ऑल दीज आर स्पेशल ट्रांजेक्शंस, तो उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है. सो दिस इज मोर ऑफ थियोरी, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दिस इज गोइंग टू बी 20 मार्क्स कंपल्सरी इन अकाउंट्स 1 एंड 20 मार्क्स कंपल्सरी इन अकाउंट्स 2, विच मेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20% ऑफ योर वेटेज, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो पीपल टेन टू टेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइटली बिकॉज ऑफ थियोरी होता है, पीपल टेन टू यू नो डू मोर ऑफ प्रैक्टिकल. लेकिन हैविंग सेड दैट, इफ 20 मार्क्स एंड कंपल्सरी, इट इज नॉट कि तुम उसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो. योर पेपर पैटर्न इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी एंड क्वेश्चन नंबर 2 के आगे तुमको थोड़े ऑप्शंस मिलेंगे. सो व्हेन वी स्टार्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, वी विल फर्स्ट डिस्कस पेपर पैटर्न्स एज वेल. सो क्वेश्चन 1 इज गोइंग टू बी कंपल्सरी एंड अकाउंट्स 1 क्वेश्चन 1 एंड अकाउंट्स 2 क्वेश्चन 2 बोथ आर गोइंग टू बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस विल कम, मेकिंग इट 20 मार्क्स. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट सीए इंटर स्टेज एज अगेंस्ट योर सीए फाउंडेशन, जहां पे यू गाइस वर ओनली एक्सपेक्टेड टू नो द नेम एंड द अकाउंट नंबर्स. वेल दैट्स इट. कमिंग टू पेपर नंबर 6, दैट इज ऑडिट. इट इज वन ऑफ द लाइक अ लिटिल ड्राई सब्जेक्ट, थोड़ा सा ड्राई है बिकॉज 1, इट इज फुल्ली थ्योरी. सो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज रेस्ट 80%? इट्स सम्स, तुम्हारे पूरे सम्स होंगे, फाइनल अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, एमलगेमेशन ऑफ कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, यू नो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रॉपर प्रॉपर सम्स. 20 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, फुल प्रैक्टिकल. यस, फुल प्रैक्टिकल. टॉकिंग अबाउट ऑडिट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट मीन्स ऑडिटिंग और चेकिंग. द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग इज चेकिंग. सो यू एज ऑडिटर्स और यू एज इंटर सीएस, यू नो, आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक आर्टिकलशिप. यू गाइज मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म, आर्टिकलशिप. सो जब तुम्हारा इंटर सीए क्लियर होगा, तब तुम लोग यू नो आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे, एंड एज आर्टिकल्ड एसोसिएट्स यू गाइज आर गोइंग टू गो टू डिफरेंट कंपनीज टू ऑडिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो ऑडिट का मीनिंग है चेक कि भाई सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किया है क्या, कंपनी में कोई फ्रॉड है क्या, कंपनी में किसने कुछ अकाउंटिंग में मिस्टेक्स किया है क्या, हैज द डेप्रिसिएशन बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर, अगर कोई एक्सपेंस कैपिटल है क्या उसको कैपिटल में लिया, आई मीन क्या उसको असेट में लिया है क्या, आर देर ऑल एक्सपेंसिस ऑफ ओनली बिजनेस नेचर इन द पीएनएल, आर देर एनी पर्सनल एक्सपेंसिस ऑफ द ओनर इन द पीएनएल. सो ऑल दिस चेकिंग इज कॉल्ड ऑडिटिंग. सो ये उसका फुल थ्योरी है एज टू हाउ यू गाइज आर गोइंग टू गो इन योर आर्टिकलशिप, आई मीन नॉट आर्टिकलशिप बट हाउ आर यू गोइंग टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वॉट ऑल थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट और वॉट ऑल थिंग्स यू गाइज आर रिक्वायर्ड टू चेक इन अ कंपनी. ये तुमको वो सब्जेक्ट सिखाएगा. देर आर गोइंग टू बी अ लिटिल केस स्टडीज इन ऑडिट बट देर आर नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग यू नो इन ऑडिट. यू गाइज विल लर्न थ्योरी थ्योरी एंड एखाद दो केसेज होंगे कि अगर ऐसा है अगर वैसा है, सो इज दिस कंपनी डूइंग द राइट थिंग, इज द ऑडिटर यू नो ऑथोराइज टू चेक दिस, केसेस होंगे. दैट इज द ओनली प्रैक्टिकल एलिमेंट इन द सब्जेक्ट ऑडिट का. वापस 100 मार्क का सब्जेक्ट रहेगा. देन यू हैव पेपर नंबर 7, दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ओके, ये क्या है? सो इट्स कॉल्ड ईआईएस. आई हैड मेंशन्ड ईआईएस फर्स्ट बट आई टोल्ड कि चलो तुमको आइडिया कुछ होगा नहीं तो पूरा सब्जेक्ट का नाम लिख लेते. सो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मोर लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ क्लाउड? हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन अ क्लाउड? व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? हाउ इज डेटा स्टोर्ड? सो बेसिकली इट्स ऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर, टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर. सो व्हेन वी हैड स्टडीड ईआईएस इट वॉज कॉल्ड आईटी एंड वी हैड लर्न अबाउट यू नो सीडीज, हाउ डेटा इज स्टोर्ड. आई मीन लाइक 12 ईयर्स बैक यू नो क्लाउड वाउड पे इतना फोकस नहीं था. सो हाउ इज डेटा स्टोर्ड इन सीडी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विंडोज, यू नो ऑल दीज थिंग्स वी हैड लर्न इन आवर सिलेबस. अभी खैर नो द टेक्नोलॉजी इज मेकिंग सो मेनी एडवांसेज दैट द कंटेंट हैज बीन रीजनेबली अपडेटेड एंड यू गाइज विल लर्न अबाउट आई टी इन ई आई एस पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स. यू नो इट्स नॉट करेक्ट टू से बट तुम लोग को इसमें मैक्सिमम चीजें मगअप करना पड़ेगा बिकॉज एट योर एज एट योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस यू गाइज विल नॉट बी एबल टू हैव अ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ क्लाउड एंड ऑल दोज थिंग्स. तो तुम लोग को फीचर्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मोर ऑर लेस मगअप करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू मे बी मेक सम फॉर्मुलाज टू मेमोराइज द आंसर्स. सो ऑब्वियसली विल हेल्प यू गाइज टू मेमोराइज द आंसर, आवर फैकल्टीज विल डू दैट एज वेल, बट इट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल यू नो सब्जेक्ट एंड तुमको उसको जनरली मगअप करना पड़ेगा. एज फार एज लॉ इज कंसर्न, एज फार एज ऑडिट इज कंसर्न, इट इज मोर लाइक रीड, गेट द नॉलेज, रिटेन द नॉलेज एंड प्रोड्यूस इट. बट ईआईएस इट इज सो टेक्निकल दैट यू विल
सून सी दैट सो मेनी टर्म्स आर न्यू, सो मेनी टर्म्स आर टेक्निकल इन नेचर कि इट इज डिफिकल्ट टू मेमोराइज एवरीथिंग एंड कीप इन द हेड. सो थोड़ा मगिंग अप करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स द वे इट इज. बट देर इज अ सेवियर, देर इज अ सेवियर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, SM. SM में अपना बोल बच्चन, इट्स अपना, जैसे यू गाइज हैड OC अबाउट मैनेजमेंट, ये फेंकने का लंबा लंबा, यू नो अबाउट मैनेजमेंट, द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोबेबली, मैनेजमेंट स्टाइल्स, लीडरशिप स्टाइल्स, यू नो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कम इन SM. सो SM, सो SM एंड EIS, वॉट इज द नीड ऑफ IT इन CA? वेल सो लाइक फ्रेंकली CA में तो फाउंडेशन का, मैथ्स का भी जरूरत नहीं है, बट इट इज देयर. सो यू गाइज नीड टू बी अपडेटेड अबाउट वॉट टेक्नोलॉजी इज. आई अंडरस्टैंड थियोरी में तुमको इतना टेक्नोलॉजी का नहीं समझेगा, बट दैट इज देयर, यू गाइज हैव टू डू इट अनफॉर्चुनेटली. सो तुमको पढ़ना तो पड़ेगा, नाम उसका कुछ खास फायदा है नहीं. यस बट एंड टैली, हाँ बाद में ट्रेनिंग पीरियड, हाँ ट्रेनिंग पीरियड इज लेटर, बट सो EIS इज गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल, लाइक फ्रेंकली इसका कुछ खास यूज है नहीं, उनको मगअप करना पड़ेगा. EIS वॉज ऑल्सो देर अ पार्ट ऑफ CA फाइनल, बट 2 साल पहले when the syllabus was updated, EIS was removed. So people have realized that there is no need absolutely, at least for a CA final student, to learn about technology so heavily. So वहाँ से delete कर दिया. Maybe in the coming years they'll realize it soon, and maybe they'll replace it here as well. But वो बात का बात है. फिलहाल तो तुमको EIS पढ़ना पड़ेगा, unfortunately. Then SM, as I mentioned, is completely theory. So SM and EIS is completely opposite. EIS तुमको मगअप करना है, technical चीजें याद करना है. SM is फेकम फाक, तुम लोग मस्त फेकम फाक कर सकते हो. Obviously not something which is irrational, but it is very generic in nature. So read, memorize it, and you can produce SM on your own as well. Our faculties will obviously help you to memorize SM as well, but SM comparatively is what people are more comfortable with as compared to EIS. Then we have paper number 8, that is FM and economics, financial management. FM is core finance. You know, you guys will learn about ratios in balance sheet. You guys will learn about the capital structure of a company. मतलब equity कितना है, debt कितना है, what are the types of equity, what are the cost of debt, leverages, ratios, how do you compute the EPS, how do you do valuation of shares, what is the cost of debenture, what is the cost of equity, all these core financial terms you guys are going to learn in FM. Weightage of EIS and FM 50-50 marks, 50 marks EIS and 50 marks 50-50 marks tumhara hai. So DT IDT is 50-50 marks, EIS SM 50-50 marks, and FM and Eco is 60-40. Yes. So FM is completely practical. Again tumko sums honge, proper practical hai. थोड़ा थ्योरी भी होगा, बेसिक थ्योरी, बट इट इज मेजॉरिटी प्रैक्टिकल. हाउ डू यू फिगर आउट वेदर इज दिस प्रोजेक्ट फाइनेंशियली विजिबल, यू नो फिजिबल और नॉट. अगर मैं कंपनी हूँ, मुझे एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, सो डू आई नीड टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट. इज द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल फॉर मी डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ रिटर्न आई एम ऑलरेडी यू नो अर्निंग. सो इफ आई एम लाइक अ सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, बट मुझे अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न यू नो उस वहां से इतना नहीं मिल रहा है, सो इज इट फाइनेंशियली फिजिबल फॉर मी टू इन्वेस्ट सो मच मनी इन द प्रोजेक्ट. ऑल दीज थिंग्स यू गाइज आर गोइंग टू लर्न इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड FM इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर CA फाइनल. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एंड FM इको में, FM बींग द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इज एनी सब्जेक्ट MCQ बेस्ड? नो, एवरीथिंग इज फुल्ली डिस्क्रिप्टिव ईयर. तुमको सब कुछ आंसर करना पड़ेगा इन फुल लेंथ थियोरी. हैविंग सेड दैट, तुम्हारा कॉस्टिंग, तुम्हारा EIS एंड तुम्हारा आई थिंक ऑडिट, दीज थ्री सब्जेक्ट्स विल हैव 30 मार्क्स का MCQs. सो 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव एंड 30 मार्क्स MCQ. सो MCQ, आई वुड सजेस्ट MCQ इज स्कोरिंग, बट इट विल नॉट बी लाइक अ केक वॉक. तो थोड़ा ट्रिकी होता है. यू मे फाइंड ऑल द 4 आंसर्स करेक्ट, यू मे फाइंड दोनों आंसर सही लग रहा है, तो इट विल बी अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द MCQ. सो इट्स फेयरली इंटरेस्टिंग MCQ. तो 30 मार्क्स वहां पे MCQ तुम्हारा आता है. मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, यस अभी स्कोरिंग सब्जेक्ट आर गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन योर कम्फर्ट. सो वेन आई वॉज स्टडिंग आई वॉज कम्फर्टेबल इन यू नो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. सो माई स्ट्रेंथ वॉज योर कॉस्टिंग, अकाउंट्स एंड DT, ऑल दीज. सो ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे कोर स्ट्रेंथ थे. अदर सब्जेक्ट्स वर थियोरी, सो आई वॉन्टेड टू जस्ट स्कोर 50+ इन अदर्स, एंड आई वॉन्टेड टू स्कोर 65-70+ यू नो इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स.
देर कुड बी समवन हु इज मोर कंफर्टेबल इन थियोरी विच इज एब्सोल्युटली फाइन. डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हैव डिफरेंट डिफरेंट कंफर्ट लेवल्स. तुमको 8 सब्जेक्ट में से कम 3 मैक्सिमम 4 हैव टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन 4 सब्जेक्ट्स, प्रेफरेबली 2 in group 1, 2 in group 2, सो दैट इज इवनली स्प्रेड. एंड द रिमेनिंग 4 यू गाइज कैन बी लिटिल नॉट सो कंफर्टेबल काइंड. सो 4 सब्जेक्ट तुमको स्ट्रांग करने ही पड़ेंगे. यू कैन सिलेक्ट 4 सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस. डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस इज गोइंग टू बी योर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और नॉट. इफ आई एम लाइक आई एम स्ट्रांग इन लॉ, आई विल स्कोर मोर इन लॉ, बट इफ यू आर वीक इन थियोरी यू विल स्कोर लेस इन लॉ. सो आई कैन टेल कि विच 4 आर स्कोरिंग. इट इज लाइक डिपेंड्स ऑन योर कम्फर्ट एज वेल. इट मे ऑल्सो हैपन दैट यू विल नाउ फील अकाउंट्स मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन अकाउंट्स करने के बाद यू विल एंड अप रियलाइज नहीं मेरे को अकाउंट जम नहीं रहा है, मुझे तो कॉस्टिंग जम रहा है, यू नो. सो अभी से डोंट प्लान विदाउट नोइंग अबाउट अ सब्जेक्ट एज टू वॉट इज स्कोरिंग वॉट इज नॉट. यू फर्स्ट लर्न अ सब्जेक्ट विद द इंटेंशन ऑफ मास्टरिंग द सब्जेक्ट. एट द एंड मतलब सिलेबस खत्म होने के टाइम यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि तुम कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो कौन से में नहीं हो. एंड देन यू हैव 4 स्ट्रांग सब्जेक्ट्स, मेक 4 एक्सट्रीमली स्ट्रांग सब्जेक्ट्स एंड बाकी 4 में यू हैव टू स्कोर 45-50 मिनिमम. एंड देन यू एटलीस्ट यू नो पास द 400 मार्क क्राइटेरिया विच शुड बी योर फर्स्ट लाइक टारगेट. आई डोंट वॉन्ट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक एंड सेइंग ओ तुमको रैंक आना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता है. डू इट सी एफ इंटर, इट्स नॉट सी एफ सी एफ सी और 12 जहां पे तुम रट्टा कर लो 95 का रैंक लेके आ जाओ. इट्स नॉट लाइक दैट. सो योर बेसिक क्राइटेरिया हैज टू बी टू फर्स्ट यू नो सिक्योर 400 मार्क्स. सिक्योर 400 मार्क्स बाय कीपिंग 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, यू नो हैव लाइक बाय फोकसिंग ऑन 4 सब्जेक्ट्स. एंड धीरे धीरे कंफर्ट आने के बाद देन यू कैन थिंक नहीं अब आई एम स्ट्रॉन्ग इन 4 सब्जेक्ट्स, लेट मी मेक माई 5th सब्जेक्ट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. चलो 5वां हो गया, नाउ 6 हो गया. ऐसे करते करते यू विल गेट कॉन्फिडेंस ऑफ स्कोरिंग 500 प्लस. बट स्टार्टिंग में यू कैन नॉट यू नो टेल नहीं मेरे को 600 मार्क्स चाहिए, अरे ऐसा नहीं होता है. 600 में मेरिट रैंक आता है. सो लाइक समवन हु स्कोरिंग 70% इज ह्यूज. 70% इज ह्यूज इन सी ए इंटर. दैट 70% इज 560 प्लस, यू नो आउट ऑफ 800. दैट इज एक्सट्रीमली गुड. सो आई कैन टेल यू राइट फ्रॉम डे वन की चलो तुम रैंक का तैयारी करो. रैंक का कभी तैयारी नहीं कर सकते. इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट दैट यू कैन यू नो स्टार्ट फॉर अ रैंक फ्रॉम राइट नाउ. इट डजंट हैपन दैट वे. इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस गाइज. प्लीज फोकस ऑन द प्रोसेस. तुमको अभी से ही तुमको रैंक देना है ऐसा नहीं होता है. सो यू हैव टू फर्स्ट बिलीव इन द प्रोसेस. इट इज अ 7 मंथ ऑफ रिगरस कोचिंग. सो तुमको प्रोसेस पे बिलीव करना. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड. फिर वो होने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा. एंड ओनली देन कैन यू टारगेट यू नो ऑफ यू नो गेटिंग अ रैंक. और आई एम क्लोज टू यू नो स्कोरिंग 550-600. सो लेट्स नाउ टारगेट फॉर अ रैंक. तुम यू नो 3-4 मंथ्स बिफोर द एग्जाम इफ यू आर स्टिल नॉट श्योर ऑफ इवन 400, देन हाउ कैन यू टारगेट अ मेरिट रैंक. फिर तुमको 400 ही स्कोर करना पड़ेगा. सो यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ राइट फ्रॉम डे वन. तुम अपना मेंटेलिटी ऐसा रखो कि आई एम रेडी फॉर हार्डवर्क. हैव दिस मेंटेलिटी एंड अदर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं होगा. फिर हैव द बिलीफ कि मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे प्रोसेस में बिलीफ है. आई विल वर्क हार्ड एंड वेल दैट्स इट. डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स एज ऑफ नाउ. इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सो आउट ऑफ दीज 4 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स वी विल नीड 2 from each group. जनरली इट्स अ गुड. सो यू कांट हैव ऑल 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग इन group 1. तो क्या तुम group 1 में बहुत अच्छा स्कोर करोगे? वॉट इफ group 2 में 200 नहीं होगा तो बैंड बच जाएगा. सो preferably, you know, preferably you can frankly have any strategy, but if you ask me, 2 strong subjects here, 2 strong subjects there, so at least dono subject mein at least tumhara at least minimum marks to confirm rahega. Yes, and if you give both the subjects together, sorry, both the groups together, you do have the advantage of a set off, which means if you score 180 in group 1 for example, and if you score 225 in group 2 for example, I'm assuming that you guys have scored 40 plus everywhere. So, wo that tension nahi hai. You guys have scored 40 marks everywhere in all the subjects. You end up scoring more in group 2 and less in group 1. So, 180 is actually below 200. But 180 coupled with 225 makes it 405 if I'm not wrong. Ye samajh mein aaya? Barabar kya? Yes. So, you need to totally score 800, sorry, 400. You need to score totally 400 marks to clear both the groups. So this advantage is called set off. Your lesser marks in group 1 to the tune of 20 marks are being set off with 25 surplus marks in group 2.
सो दिस एडवांटेज विल नॉट बी अवेलेबल, हियर मी आउट, दिस एडवांटेज विल नॉट बी अवेलेबल इफ यू गिव ग्रुप वन इन मे 22 एंड गिव ग्रुप टू इन नवंबर 22. सो देन यू कांट टेल 6 months लेटर कि मेरे पास लास्ट में 20 marks सरप्लस थे, वो नहीं मिलेगा. सो सेट ऑफ का एडवांटेज वुड बी अवेलेबल ओनली इफ यू गाइज बोथ द आई मीन इफ यू गाइज गिव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर. एंड वी हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स क्लियरिंग इन सेट ऑफ इन द अटेम्प्ट बिफोर द प्रीवियस अटेम्प्ट. वी हैड अ स्टूडेंट हु हैड स्कोर्ड 177 यू नो इन ग्रुप वन और टू एंड वी हैड स्कोर्ड 230 plus इन ग्रुप आई मीन द अदर ग्रुप. सो उसका सेट ऑफ उसका 23 mark का सेट ऑफ हो गया. सो इट वॉज अ ह्यूज सेट ऑफ. I have not seen, so we have seen 185, 190s mein sort of ho jata hai, but 177 was a complete game changer. So he had studied for one group only, he gave group 2 just for the sake of giving and fortunately uska ho gaya. So but he was above the intelligent chaps of the gang, so you know he was gifted, so he could just give the exam and uska ho gaya. But it is a very risky strategy if you are banking on that, ki nahi bhai main aise time pass ke liye dunga and mujhe 170 aayega. You know, scoring. Ah, pass ho gaya na fir, yes. So 180 year, and if your total of both the groups is 400 plus, 400 dot to bhi chal jayega. Yes. And many students have also scored dot 400 pe. You know, set off karke the most lucky people. Yahan bhi utna hi deficit, wahan bhi utna hi surplus, aur dot 400 mein clear ho gaya. So aise students bhi hote, but I'm telling, don't have a strategy like this. You have to be very very lucky, you know, to get there. तो उन्होंने मेहनत नहीं किया होगा ऐसा नहीं है. सो मेहनत किया होगा एंड वो हो गया. सो दैट्स व्हाई एम टेलिंग यू राइट फ्रॉम नाउ, यू डोंट फोकस ऑन द मार्क्स, यू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग लाइव दैट स्टेज वन. यू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग लाइव लेक्चर्स, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ हैविंग ऑल योर नोट्स अप टू डेट, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ गिविंग वीकली टेस्ट विच यू आर गोइंग टू टेक, focus on the process of having, they're going to have vivas as well live sessions mein, focus on all this. Tum marks pe focus karoge ye sab bhul jaoge. You have to focus on the process and the result will follow on its own. Tumko uska sochne ka zarurat bhi nahi padega. So that is the advantage of giving both the groups together. Group 1 group 2 combined ke 400 mark leke aane. So any queries about the CA inter ka group 1 group 2, finding all these things interesting, the subject names, ya bore ho gaye? नो सर, नो क्वेरीज. या तुम लोग सोच रहे हो अरे कहाँ आगे अटक गए यार, 8 subjects पढ़ने पड़ेंगे, बाप रे अभी तो जस्ट तुम्हारा हफ्ता भर पहले एग्जाम हो गया. नो सर. चलो अच्छी बात है, यू गाइस आर सीमिंग टू बी एक्साइटेड, गुड. सो लेट अस मूव ऑन. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 9 months फॉर यू गाइज? इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड. चलो, व्हाट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट 9 months, हाउ योर नेक्स्ट 9 months गोइंग टू लुक लाइक? First of all, your exams are going to be in May 22 for sure. You guys may hear rumors ki abhi exam June mein hoga, COVID ke wajah se postponed hoga, since we are starting late, ICI will give 1 month more to us, ye sab kuch nahi hoga. Exam jo May mein hai, wo May mein hi hoga. Unless it comes on the ICAI ka website as a notification ki exams are postponed, you always assume exams are not postponed. Why? अभी एक्साइटेड लग रहा है, बराबर, अच्छी बात है. सो वाई टू थिंक लाइक दिस? क्या होगा इफ यू गाइज आर हैविंग अ माइंड सेट कि नहीं एग्जाम जून में होगा, सो तुम्हारा दिमाग में मेंटली मे मंथ इज देयर टू स्टडी, एंड देन इफ आईसीएआई डज नॉट पोस्टपोन द एग्जाम, यू विल थिंक कि 1 month कम मिला. बट 1 month कम नहीं है, टाइम उतना ही है. यू गाइज थॉट कि एग्जाम जून में होगा. सो उससे अच्छा द रिवर्स स्ट्रेटेजी वर्क्स. यू अज्यूम कि एग्जाम मे में है, यू स्टडी एज इफ एग्जाम मे में है. कल उठ के If the ICAI postpones it by a month, you will get 1 month more to study. The strategy always has to be this, कि मेरे को तो एग्जाम मई में देना है. सर मैं एक ग्रुप दू या दो ग्रुप दू, इज 8 subjects डिफिकल्ट? आई वुड बी ऑनेस्ट, 8 subjects देना इज नॉट ईजी. आई वुडंट से इज डिफिकल्ट, नॉट ईजी एंड डिफिकल्ट में बहुत डिफरेंस है. आई वुड से CA foundation was easy, 12th was all the more easy. CA inter giving both the groups together is not by any imagination a cakewalk. कि हाँ भाई क्लास में बैठा अपना नॉर्मल टाइम पास कर लिए एग्जाम दे दिए, ऐसा नहीं होने वाला. यू गाइज हैव टू एक्चुअली वर्क हार्ड टू गिव बोथ द ग्रुप्स इन मे. सो
राइट फ्रॉम नाउ डोंट थिंक कि मुझे कौन सा ग्रुप देना है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग करना है, कौन सा ग्रुप स्ट्रांग करना है. नहीं, टेक एग्जाम एज वन एग्जाम हैविंग 8 डिफरेंट पेपर्स एंड मेरे को 8 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है. डिड यू गाइज हैव एनी ऑप्शन इन सी ए फाउंडेशन टू गिव 2 सब्जेक्ट नाउ एंड 2 सब्जेक्ट लेटर? नो. सो ट्रीट दिस एज नो ऑप्शन एंड देन अटेम्प्ट बोथ द ग्रुप्स. कमिंग वंस यू रीच द मंथ ऑफ फेब मार्च, दैट इज द टाइम वील बी फिनिशिंग आर एंटायर सिलेबस. तभी तुमको आइडिया आ ही जाएगा कि हाउ मच स्टडीज इज रिक्वायर्ड, मेरा पढ़ के कितना हुआ है, कितना टाइम बाकी है और क्या इतने टाइम में मेरा बैलेंस पोर्शन पढ़ के होगा कि नहीं होगा. एंड दैट इज द टाइम यू मेक अ फाइनल डिसीजन कि भाई मैं ए ग्रुप दे सकता हूं कि नहीं. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीवन इज नॉट बॉर्न इक्वल. सबके बस का बात नहीं है टू गिव 8 पेपर्स. आई कांट फालतू में कीप ऑन मोटिवेटिंग यू कि हाँ तुम लाइक जबरदस्ती दो. यस, देर आर सम पीपल हु प्रिफर ऑल 8 टुगेदर, दे कैन मैनेज. देर आर सम पीपल हु एक्चुअली लाइक टू टेक इट स्लो. नाउ आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु हैव गिवन इंटर 1-1 ग्रुप, दे हैव गिवन फाइनल 1-1 ग्रुप एंड दे आर डूइंग गुड इन लाइफ. तो मैंने एक ग्रुप दिया तो मेरे फ्रेंड लोग क्या सोचेंगे, वो मुझसे आगे जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा. ऑल दीज थिंग्स डू नॉट थिंक. तुमको एक ग्रुप देना है, इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट यू गिव 1 ग्रुप, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. ऑल आई एम सेइंग इज डोंट मेक दैट डिसीजन राइट नाउ, इट इज टू अर्ली. मेक डिसीजंस व्हेन यू गाइज हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन. जब तुम्हारे पास अभी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि तुम्हारा कितना पढ़ के हुआ है, कितना पढ़ के बाकी है, हाउ मच एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी, यू कांट मेक अ डिसीजन. सो नाउ कीप अ माइंड ओपन. 8 सब्जेक्ट है, मेरे को क्लास आना है, मेरे को क्लास अटेंड करना है, मेरे को टेस्ट देने हैं, मेरे को पढ़ाई करना है. एंड वेन वी रीच जैन, वेन वी रीच फेब, देन वील टेक अ डिसीजन कि भाई तुमको एक ग्रुप देना है कि 2 ग्रुप देना है. एंड बोथ आर एब्सोल्यूटली फाइन. मैंने एक ग्रुप दिया तो मेरे फ्रेंड लोग बहुत आगे जाएंगे मुझसे, मुझे लोग क्या बोलेंगे, पीपल विल थिंक आई एम डम, यू नो ऑल दीज थिंग्स आर एब्सोल्यूट क्रैप. ये सब तुम सोचो मत. फिलहाल ओनली फोकस ऑन क्लासेस एंड स्टडिंग एंड रेस्ट थिंग्स विल फॉलो. टू लेस, हाँ आई एम कमिंग देयर, आई एम कमिंग देयर, आई एम कमिंग टू द 4th पॉइंट, 2 मंथ्स यू नो स्टडीज के ऊपर. लेट मी कम टू पॉइंट नंबर 2, 7 मंथ्स ऑफ रिग्रेस कोचिंग. यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, दैट इज ऑगस्ट, एंड कोचिंग इज गोइंग टू हैपन अप टिल फेब एंड, द वेरी एंड ऑफ फेब, 28 फेब तक तो लेक्चर होने और होने ही है. पोर्शन तुम्हारा इतना वास्ट है कि वी वोंट बी एबल टू फिनिश द पोर्शन बिफोर फेब. इनकेस दैट हैपन्स वेरी गुड, इफ डजन, इफ नॉट, बट 20 फेब तक हो ही जाएगा. सो 7 मंथ्स यू गाइज आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ कोचिंग एवरी डे मिनिमम. सो 1:30 to 4:30 विल बी वन स्लॉट, देर विल बी हाफ एन आवर ब्रेक एंड देर विल बी 5 to 8 का अदर स्लॉट. सो दिस इज गोइंग टू बी योर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स एटलीस्ट एंड देन योर स्टडी लीव्स विल स्टार्ट. ऑनलाइन की ऑफलाइन, ये भी काफी क्वेश्चन आया था. डूड वी वॉन्ट टू मेक इट ऑफलाइन. हम लोग को जितना डिफिकल्ट है टू टीच, सी आई एम टॉकिंग टू कैमरा राइट नाउ, यू नो आई फील लाइक अ फूल कि मैं कैमरा की तरफ देके बात कर रहा हूँ. आई लव टू टॉक, यू नो मैं आई लाइक टू सी ऑल द स्टूडेंट सिटिंग हियर, ऐसा यू नो मेरे को अच्छा लगता है, बट देन वो नहीं है. सो जितना डिफिकल्ट तुम्हारे लिए है टू सी अ स्क्रीन, उतना ही डिफिकल्ट फैकल्टीज के लिए भी है. सो होपफुली वी फील दैट एटलीस्ट ये बैच तो ऑफलाइन हो. लास्ट बैच वॉज 100% ऑनलाइन. उसके पहले का बैच 1 or 2 months वी डिड ऑफलाइन कोचिंग एंड देन इट वेंट ऑनलाइन अनफॉर्चुनेटली. सो वी फील दैट दिस ईयर होपफुली ऑफलाइन हो. हमारा क्लासरूम रेडी है. वेन वी स्टार्ट ऑफलाइन लेक्चर्स, यू गाइज विल बी गिवन एन ऑप्शन इफ यू गाइज वॉन्ट टू कम एंड अटेंड लेक्चर्स फेस टू फेस, विच आई बिलीव इज एवरीबडीज फर्स्ट प्रेफरेंस. देन यू गाइज कैन कम टू द क्लासरूम. स्टिल इफ यू फील दैट नहीं, मुझे अब तक डर लग रहा है, आई एम नॉट वैक्सीनेटेड और आई डोंट वॉन्ट टू स्टेप आउट, ऑप्शन विल स्टिल बी अवेलेबल टू सिट एट होम एंड व्यू लेक्चर्स लाइक दिस एज यू गाइज आर सीइंग राइट नाउ. एंड इन केस यू गाइज आर ऑनलाइन, यू गाइज मस्ट हैव सीन द क्लासरूम टूडे इटसेल्फ वाइल बुक कलेक्शन. मैं यही बैठ के लेक्चर लूंगा, मेरे सामने स्टूडेंट्स होंगे एंड वेल दैट्स इट. सो इन केस यू आर ऑफलाइन, आई मीन यू इन द क्लासरूम, तो वो भी पॉसिबल है एंड ऑनलाइन भी पॉसिबल होगा. यस, एंड आई कैन रीड समथिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दैट इज 28 संडे टेस्ट्स. मजा आ गया. यस, सो इफ यू गाइज कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स, वी आर डूइंग गोइंग टू हैव 7 मंथ्स ऑफ कोचिंग एंड 7 मंथ्स में देर आर गोइंग टू बी 7 into 4, 28 संडेज. तो एवरी संडे यू गाइज आर गोइंग टू बी बॉम्बार्डेड विथ अ टेस्ट. दिस वॉज बींग फॉलोड इन आर प्रीवियस बैच एज वेल. यू गाइज कैन चेक इफ यू गाइज हैव एनी फ्रेंड्स. एवरी वीक एवरी संडे राइट फ्रॉम द सेकेंड संडे ऑफ द बैच हम लोग ने टेस्ट लिए है. आई थिंक वी हैव मिस्ड ओनली 1 or 2 संडेज जहां पे कुछ पोर्शन नहीं हुआ था. तो
एवरी संडे यू गाइज आर गोइंग टू हैव टेस्ट. मैं अनाउंस करूं या मैं अनाउंस नहीं करूं, तुमको टेस्ट होना ही है. एंड आई विल अनाउंस संडेज सिलेबस ऑन अ मंडे, मतलब मंडे आई विल अनाउंस कि नेक्स्ट संडे कौन सा टेस्ट होगा, विच इन ऑल लाइक्लीहुड इज गोइंग टू बी द पोर्शन विच वॉज कवर्ड इन द प्रीवियस वीक. तो आज कुछ वीक में पढ़ाई किया, उसका नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा. इन द प्रीवियस बैच वी ओनली यूज टू अपलोड द क्वेश्चन पेपर्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड नेक्स्ट डे वी यूज टू अपलोड सोल्यूशंस. ऑब्वियसली चेकिंग पॉसिबल नहीं है इन दीज टाइम्स बिकॉज वी डोंट हैव द फिजिकल पेपर्स. बट इन दिस बैच, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू गाइज अ विंडो टू अपलोड योर सॉल्व पेपर्स. सो अ गूगल फॉर्म विल बी शेयर्ड एक लिंक से. यू गाइज कैन टेक पिक्चर्स ऑफ योर सॉल्व पेपर्स, कन्वर्ट देम इन टू PDF यूजिंग सम ऐप, आई थिंक वो तुमको और पता होगा. कन्वर्ट देम इन टू PDF एंड देन अपलोड ऑन द गूगल फॉर्म एंड एटलीस्ट आई विल गेट कि कौन पेपर कैसे सॉल्व कर रहा है. चेकिंग होगा कि नहीं होगा, दैट टाइम विल टेल. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एंश्योर कि फिजिकल चेकिंग भी हो, बट एज ऑफ नाउ आई कांट कमिट बिकॉज ऑल माई फैकल्टीज आर इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेज. सो आई कांट सेंड द पेपर्स, ही विल सेंड द पेपर्स बैक टू मी. थोड़ा मुश्किल है, यू नो, इन फेस टू फेस लेक्चर्स वेयर फैकल्टीज वर कमिंग, आई यूज्ड टू गिव द बंच टू द फैकल्टीज, ही यूज्ड टू करेक्ट एंड गिव द पेपर्स बैक टू मी. खैर अभी तो लाइक मुश्किल है, बट वील एंश्योर दैट यू गाइज गिव द पेपर्स. सो फॉर एग्जांपल, इफ अ टेस्ट इज हैपनिंग एट से 5 o'clock, 5 to 6, आई विल टेल यू गाइज टू अपलोड द पेपर बाय 6:15, 6:30 मैक्स. सो यू कैंट गिव अ पेपर एट योर ओन टाइम, चलो मैं आज देता हूं, मैं कल देता हूं, मैं आज रात को देता हूं. नहीं, टेस्ट का एक टाइमिंग रहेगा, तुमको वही टाइम पे टेस्ट देना है, तुमको पेपर अपलोड करना है एंड वी विल गेट ऑल द डेटा एज टू हु हैज गिवन द टेस्ट्स. 28 संडे टेस्ट एवरी संडे, फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? 28 संडे टेस्ट्स की टेंशन आ गया अभी से, बताइए. वरुण सेज यस, अभी तुम लोग जोश में, हाँ अभी तुम लोग जोश में हाँ बोल रहे हो, देन बाद में धीरे धीरे करके, सर आज टेस्ट नहीं दे पाए, सर पढ़ के नहीं हुआ था, सर फ्रेंड का बर्थडे था, सर संडे, सर ये, सर वो, सब चालू होगा. बट देन वी विल एंश्योर दैट, हाँ साउंड्स फन, ओके लेट्स सी. सो ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम आवर एंड वील डू टू एंश्योर तुम लोग पढ़ भी रहे हो और पढ़ने के बाद तुम साला पेपर भी दे रहे हो. पेपर नहीं दिया तो मैं खुद या फिर माई टीम विल कॉल यू एंड आस्क यू कि भाई तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया. आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइज आर ऑल्सो ह्यूमन, एक हाथ दो टेस्ट मिस किया ठीक है, बट इफ वी सी that you know tests are not being given on a regular basis, then we will directly contact your parents in the unlikely event. And if you guys have realized, you guys have filled a Google form where we have taken your parents' number as well. So that was my master stroke in this year's admission, that we have taken your parents' number as well. So a call or a message or something will go to your parents and you guys will face the consequences. When will the test start? From next Sunday. So okay, aaj to Friday apna, to ye Sunday kuch bhi ho nahi payega. Agle Sunday se we will start and we will, ya fir uske baad, because this week we'll only have one lecture because you guys will get used to online coaching and then we'll do all the two slots. So agle Sunday se we will start. Yes, so anyone has given a wrong number of the parent? Yes, sab sahi number deke rahe. या किसने ये सोच के गलत नंबर दिया है? पब्लिक इज, पीपल आर नाउ थिंकिंग सही नंबर दिया है, मॉम ने ही फिल किया है. ओके वेरी गुड, यस. सो दैट वाज द रीजन ऑफ मी चेकिंग विथ योर और हैविंग अ पेरेंट्स नंबर एज वेल. तो किसने फर्जी नंबर दिया है तो आपको मालूम पड़ जाएगा. देन कमिंग टू समवन्स क्वेरी ऑफ 2 months टाइम टू स्टडी, आई वुडंट से 2 months टाइम इज मोर देन इनफ, बट आई कॉन्फिडेंटली से 2 months टाइम इज इनफ. सो करेक्ट नंबर है, बराबर. आई डोंट रिमेम्बर. ओके, सो वी विल टेक योर पेरेंट्स नंबर, टेंशन मत लो. ओके, 2 months टाइम टू प्रिपेयर, आई वुडंट से इट्स मोर देन इनफ, आई वुडंट मेक अ वेरी रोजी पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. 2 months आई वुड से आर जस्ट इनफ, जितना टाइम पढ़ने को चाहिए. आई वुड से 3 months वुड बी कंफर्टेबल, 3 महीने है मतलब 90 days. सो तुम्हारा एग्जाम अगर पोस्टपोन नहीं हुआ रहता, सो आज अपन अगस्त में है, वो अपन आज जुलाई में होते, बिकॉज लाइक प्रॉब्ली इवन जून, बिकॉज योर एग्जाम्स हैपन इन मे एंड मे के बाद तुरंत यू नो जून में वी स्टार्ट दी अर्ली बर्ड बैच. सो यू गाइज आर ऑलरेडी 1-1.5 months लेट. सो दिस एक्स्ट्रा 1 month यू गाइज वुड हैव गॉट हैड वी स्टार्टेड अर्ली. बट आई डू बिलीव कि जो अभी हो चुका है, जिसमें किसी का गलती नहीं था, लाइक नोबडी कैन बी ब्लेम, नॉर यू नॉर मी नॉर दी ICAI, दैट यू गाइज आर गोइंग टू गेट 2 months टू स्टडी, यू कैन ब्लेम दैट. सो rather than playing the blame game,
तुमको आज ही पता है कि तुमको 2 महीना मिलने वाले। सो आई वुड से तुम अपना प्रिपरेशन वैसा रखो कि यू गाइज आर गोइंग टू गेट 2 मंथ, सो योर प्रिपरेशन शुड बी कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर एंड वी आर एंश्योरिंग दैट बाई गिविंग टेस्ट एवरी संडे। सो 2 मंथ्स आर इनफ। वॉट विल हैपन इन दिस 2 मंथ्स इज वी विल टेक फुल पोर्शन के टेस्ट, पूरा पूरा सिलेबस का टेस्ट होगा। वेलकम टू दैट पॉइंट ऑल्सो इन द नेक्स्ट स्लाइड प्रोबेबली। सो यू गाइज विल बी कॉन्स्टेंटली इन आवर टच, वी विल शेयर द पेपर्स, वी विल टेक द एमसीक्यूज, वी विल यू नो वी विल आस्क यू गाइज टू सबमिट द पेपर। सो वी विल कॉन्स्टेंटली बी इन टच विद यू गाइज कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। एंड देखो एक पॉइंट तक वी कैन आस्क यू टू स्टडी स्टडी स्टडी, हम लोग आपका हाथ पकड़ के आपको बेडरूम में खींच नहीं देते भाई तुम पढ़ाई करो। सो जितना हमारे एंड से हो सकता है सी वी आर डूइंग, वी आर कीपिंग संडे टेस्ट, वी आर एंश्योरिंग यू गाइज स्टडी बाय अपलोडिंग द सोल्यूशंस, वी विल कॉन्टैक्ट यू इफ यू गाइज आर नॉट आई मीन नॉट गिविंग पेपर्स। तो बियॉन्ड अ पॉइंट वी कांट हेल्प एंड यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो वी विल ट्राई टू पुश यू टू स्टडी, बट तुमको अगर इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई करने में देन वी कांट डू एनीथिंग मोर देन दैट। सो वी विल एंश्योर यू गाइज प्रिपेयर इन दोज 2 मंथ्स एज वेल। देन दिवाली गणपति या न्यू ईयर, यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि दिवाली है तुम्हारा गणपति है, समबडी हैव 4 डेज गणपति 11 डेज गणपति, तो वो सीजन में तुम्हारा पढ़ाई कम होता है। सो ये सरप्राइज नहीं है, तुमको पता है तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है। सो यू गाइज मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फ्रॉम नाउ ओनली। इफ यू गाइज हैव 10 डेज ऑफ गणपति इन योर हाउस, गेस्ट आर गोइंग टू कम इन योर हाउस, यू कैन टेल देम नो। लेक्चर्स थोड़े ऊपर लाइक तुम्हारे मिस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ विसर्जन और वॉट एवर। सो यू गाइज हैव टू प्लान फ्रॉम नाउ ओनली कि भाई मेरा इतना दिन वेस्ट होगा तो भाई मुझे अभी से मेहनत करना है। देन न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर में पब्लिक 31st फर्स्ट टाइम पास करने के लिए टाइम पास करेगा। आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू डू बिकॉज यू गाइज हैव एन एग्जाम इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल 31st के बाद 4 मंथ्स तुम्हारा एग्जाम है, सो यू गाइज शुडंट यू नो सेलिब्रेट एंड गो ऑल आउट। थोड़ा हाई हेलो ठीक है, बट देन यू गाइज शुड बी प्रिपेयर टू यू नो लेट गो ऑफ ऑल दीज टाइम वेस्टिंग थिंग्स। यू नो देर इज दिवाली, आई मीन आई एम नॉट टेलिंग गणपति में टाइम वेस्ट हो रहा है, बट येस यू गाइज आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम टाइम इन दीज फंक्शंस। गेस्ट्स विल कम होम, यू गाइज विल गो टू समबडीज हाउसेज, मिठाई आई आएंगी, तुम लोग मस्त यहाँ खाने में मौज रहोगे। सो द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज ऑलवेज फिल्ड विथ यू नो फेस्टिवल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो थोड़ा तुमको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा इन दीज टाइम्स। दिवाली में यू मे हैव सम कॉलेज वेकेशंस, मे बी यू नेवर नो, सो इन दोज टाइम्स वी मे हैव डू एक्स्ट्रा लेक्चर्स एंड तुमको वो टाइम पे पढ़ाई करना पड़ेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, गॉट इट, यस, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी हैविंग योर कॉलेज एग्जाम्स। तुम्हारा आजकल मैं बहुत सुनता आता हूँ दैट NM मिठीबाई एंड अदर कॉलेजेस आर इन्वॉल्विंग यू गाइज टू मच यू नो इन इन योर कॉलेज एग्जाम्स, यू नो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स इंटरनल सबमिशंस, ये एग्जाम वो एग्जाम, तुम्हारा इतना साल भर कुछ ना कुछ तो होता ही है। सो अगेन इट इज समथिंग, इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, बियॉन्ड आर कंट्रोल। सो वी विल गिव यू टाइम, यस, ड्यूरिंग द कॉलेज के मेन एग्जाम्स, आई थिंक देर आर 6 semesters इन योर 3 years ऑफ कॉलेज। सो ड्यूरिंग द सेमेस्टर्स येस वील गिव यू लीव इन सच अ वे कि सब कॉलेज के एग्जाम्स हम लोग अकोमोडेट कर सके, बट यू ऑल्सो हैव टू लाइक अंडरस्टैंड आई कैन नॉट गिव 10 10 days ऑफ गैप टू एवरी कॉलेज एग्जाम्स, वरना क्या होगा तुम्हारा 1 महीना एग्जाम लेक्चर ही नहीं होगा। सो थोड़ा कॉपरेशन तुम्हारे एंड से तुमको करना पड़ेगा। सम एग्जाम्स में हमारे लेक्चर्स होंगे, सो यू मे मिस सम लेक्चर्स, ऑब्वियसली बैकअप तुमको मिलता रहेगा। सो ड्यूरिंग सम डेज थोड़ा कॉपरेशन तुमको करना पड़ेगा बिकॉज वी ऑल्सो कांट एफोर्ड टू गिव सो मेनी लीव्स। सो अगर एक कॉलेज का फर्स्ट 10 डेज में एग्जाम है, नेक्स्ट कॉलेज का नेक्स्ट 10 डेज में एग्जाम है, वी कांट गिव 20 डेज ऑफ। सो वी विल एंश्योर दैट द विंडो विल बी सच दैट इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स एज अ ग्रुप, मैक्सिमम सब्जेक्ट का आई मीन मैक्सिमम स्टूडेंट का नुकसान नहीं हो, ऐसे लीव्स वील गिव। अभी उससे बाहर एग्जाम्स का डेट आया देन यू विल हैव टू प्रोबेबली लुक एट द बैकअप लेक्चर्स और वील फाइंड अ वे आउट, बट तुमको वो यू नो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। NM ऑटोनोमस, हाँ वो भी आजकल कुछ नया सुनने में आ रहा है अबाउट ऑटोनोमस, उनका तो अलग ही सब चलता है। अच्छा है सर, आप में एडमिशन ले लिया, यस, हाँ तो उस पर थोड़ा कम टेंशन रहेगा। आई थिंक द अटेंडेंस लेवल इज ऑल्सो स्ट्रिक्टर इन NM मिठीबाई, यू गाइज मस्ट बी मोस्टली फ्रॉम NM मिठीबाई आई एम अज्यूमिंग। एंड आजकल बहुत सारे लोग 11 12 NM करके बाकी फिर HR या कहीं चले जाते हैं, सो यू नो टू सेव द अटेंडेंस एंड दे कैन स्टडी इन द मॉर्निंग, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजीज यू नो इन टूडेज टाइम्स, बट ठीक है दैट्स योर कॉल। इट्स अ गुड स्ट्रेटजी इफ यू गाइज आर वेरी वेरी श्योर ऑफ डूइंग CA, यू गाइज विल गेट 2 3 hours मोर इन द मॉर्निंग इफ अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी, अदरवाइज तुमको झक मार के चर्च गेट जाना पड़ेगा टू अटेंड द कॉलेज। यस, सो एनी क्वेरीज यू गाइज हैव फ्रॉम दिस स्लाइड दैट हाउ योर नेक्स्ट 9 to 10 months आर गोइंग टू लुक लाइक।
एनी क्वेश्चंस? होप दिस इज साउंडिंग इंटरेस्टिंग इफ नॉट स्कैरी. नो 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 क्वेश्चंस. नो सर, नो सर. ओके ग्रेट. देन कमिंग टू व्हाट द नेक्स्ट 7 months यू गाइस आर गोइंग टू एक्सपीरियंस हियर एट बेंचमार्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव लाइव लेक्चर्स लाइक दिस और थ्रू जूम. एज आई मेंशन अर्ली ऑल्सो वी विल ट्राई एंड एंश्योर फैकल्टीज कम हियर. द फैकल्टीज हू स्टे नियर बाय इन द सबर्ब्स दे विल ऑब्वियसली कम इन द ऑफिस एंड दे विल टेक लेक्चर्स थ्रू द मोड विच इज हैपनिंग राइट नाउ. वी कांट फोर्स द फैकल्टीज टू कम यू नो इफ ट्रेन हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड. And obviously, coming from taxi or Uber every third day is obviously financially not feasible for them also. मैं उतना जितना pay कर रहा हूँ lecture के लिए उनका taxi में निकल जाएगा उनका. So that's not fair for me to expect. So some lectures will happen from this mode and some lectures will happen through Zoom. We usually ask the students to keep their cameras and audios off. In case you guys have query, you can unmute and speak in case of Zoom ke lectures. So, live lectures honge. We do expect things to improve and we have face-to-face lectures, but I can't commit because we are yet to get the government's nod for having face-to-face lectures. Every Sunday test has been discussed. Tumhara every Sunday test hoga. Agar portion kam discuss hua hai, then main ek chapter ka test rakhunga, but rakhunga. I will ensure that you guys, you know, study every week. And that is ultimately going to benefit you guys only. I've taken a feedback from all our past students and they are all saying ki Sunday tests hai to hum padhte. Ek haad Sunday agar miss ho gaya, so you guys are little laid back ki haan bhai next Sunday test ke liye padhenge. Then wo it's human, I can't blame you, but it's very human also ki koi target, koi deadline hota hai, to you guys study, otherwise you don't study, which is normal. Then something new, chapter wise vivas. So, what we are going to start from this attempt, we have not done this in the previous batch, but we'll do it now, that once a chapter ends, for example, let me talk about accounts or costing which I'm teaching. Suppose I finish chapter 2 today. Today is what, say Friday. So once chapter 2, for example, gets over on Friday, whenever I have a next lecture, mera next lecture kabhi bhi hoga, be it Saturday, be it Sunday, be it Monday, whenever, wo mujhe track rahega, mere faculties ko bhi track rahega. Whenever next lecture happens, वो प्रीवियस चैप्टर का अपन एक लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द लेक्चर में एक वाइवा रखेंगे. वाइवाज में क्या होगा, वी विल बी ऑन जूम. अपन इस मोड से निकल के नो क्लास ऑन संडे, नहीं संडे टेस्ट होगा ना, संडे टेस्ट भी होगा, संडे लेक्चर भी होगा. सो वी विल हैव मे बी 2-3 आवर्स ऑफ लेक्चर एंड 2 आवर्स ऑफ टेस्ट. यस. सो मैं तुम्हारा संडे भी खाने वाला हूं. 6 days a week, 6 days a week, 6 hours lectures and Sunday 3 hours. Yes, that is how the schedule is going to be. And that is how the schedule has been over the past couple of attempts as well. And tumhare liye, it has to be all the more heavy because we are anyway starting late. So you guys and we don't have a choice out here, unfortunately. Talking about vivas, so once a chapter gets over, us chapter ka next lecture ke last 15 minutes mein, we will go to Zoom. And then I will ask you individual questions. I will ask one person to unmute. I will ask one question to one person. He has to answer. And it's like an exam, normal vivas. You must have probably given vivas in your college. I am assuming tumhare degree college mein vivas. Nahi, shayad 11th, 12th pe nahi hoga. You guys had vivas in 11th and 12th? Yes, sir. Haan. Toh, wo toh shayad offline tha. So there is a class on this Sunday? No. No. Ye weekend, I will let you guys relax. And I'll tell you about the schedule also. I'll come there. Ye Sunday nahi hai, tension mat lo. So we'll have vivas as well. This will ensure that you guys are continuously studying. Matlab tumhara main ek kuch chhodunga hi nahi. Chapter khatam, to next lecture mein viva hoga. So I will go to Zoom. I mean, I'll give you guys a link. We'll go to Zoom. I'll ask someone to unmute. I'll talk to that person and he has to answer the question. Obviously, I will ask simple questions. I just need to ensure you guys are going through what is happening in the class. That is something new that we are going to launch from your batch. So, congratulations. Then doubts in 20 minutes. Ye bhi apun naya chalu kar rahe. So, same thing. So every third or every fourth lecture, I will ask the faculties ki last 20 minutes of the lecture mein, last 10 minutes of the lecture mein, this last 10 or 15 minutes or 20 minutes as the cases are only going to be dedicated towards doubt solving only. So, agar my lecture is say from 1:30 to 4:30, every third or every fourth lecture, 4:15 to 4:30, I will only ask you guys for doubts. Ki bhai, tum lo meko sirf doubts poocho.
आज का लेक्चर का, प्रीवियस का लेक्चर का, उसके प्रीवियस के लेक्चर का, वी विल ओनली डेडिकेट टू डाउट्स इन द लास्ट 15 मिनट्स, बिकॉज पीपल आर सिटिंग एट होम, उन लोग डाउट्स पूछ नहीं रहे, वो डाउट्स भूल जाते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो वी टुक अ फीडबैक फ्रॉम आर स्टूडेंट्स इन द पास्ट बैच एंड दे सेड कि डाउट्स बहुत कंपाइल होते हैं, फिर हम ही भूल जाते. सो मैं बोला चलो ये भी हम एड्रेस कर देंगे, हम एवरी थर्ड फोर्थ लेक्चर डाउट सॉल्विंग रखेंगे एंड दैट इज द ओनली वे यू गाइज आर गोइंग टू स्पीक एंड आस्क योर डाउट्स. सो डाउट्स आया मतलब यू गाइज आर स्टडिंग. सो इफ आई एम नॉट गेटिंग रेगुलर डाउट्स फ्रॉम यू गाइज, आई विल अंडरस्टैंड कि कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है. दैट समथिंग न्यू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. 40-day फुल पोर्शन टेस्ट सीरीज, इंटरेस्टिंग. वंस द सिलेबस गेट्स ओवर इन द मंथ ऑफ फेब, ओके, मार्च एंड अप्रिल यू गाइज हैव 60 days. In these 60 days, we are going to have a test every 5th day. So, 5th March, 10th March, 15th March, 20 March, ऐसे करते करते 8 papers, 5 days of gap, 40 days. In these 40 days, we will keep a full portion syllabus. So, abhi for example, for the November 21 batch, my syllabus is going to end in the next, you know, 2-3 weeks maximum. सो सेप्टेंबर अक्टूबर वी हैव ऑलरेडी अनाउंस द शेड्यूल, उनको पूरा टाइम टेबल देना बाकी है. वी विल टेक टेस्ट एवरी 5 days एट द एंड ऑफ द सिलेबस एंड दिस विल बी योर फाइनल रिविजन, बिकॉज इसके बाद तुम डायरेक्ट एग्जाम दोगे. सो इफ यू टेक 40 days राइट फ्रॉम मार्च, इट विल बी 10th of April, देन यू गाइज हैव 20 more days टू डू सेकेंड रिविजन एंड देन दैट इज आफ्टर विच यू गिव द एग्जाम डायरेक्टली. दिस इज द इतना तुम लोग कट टू कट चल रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ बफर ही नहीं है. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, ब्लेम इट ऑन द ICAI, ब्लेम इट ऑन द शेड्यूल, ब्लेम इट ऑन कोविड, तुमको जिसको ब्लेम करना है करो, बट दिस इज द हार्श रियलिटी दैट यू गाइज आर गोइंग टू गेट 60 days फॉर सेकेंड रीडिंग, विच आई वुड से इज नॉट वेरी मच, बहुत कम भी नहीं है, बट इट कैन बी मैनेज्ड एंड दिस इज द ओनली वे दैट यू गाइज कैन पुल ऑफ बोथ द ग्रुप्स इन मे सक्सेसफुली. टेस्ट सीरीज देने का 5 दिन में पूरा सब्जेक्ट रैप अप करने का एंड देन वापस नेक्स्ट 20 days में 2 days पर सब्जेक्ट एंड वेल दैट्स इट. वन रीडिंग फॉर वन फर्स्ट रीडिंग फॉर द फर्स्ट टेस्ट ऑन संडे वेन एवर इट हैपेंस, सेकंड रीडिंग ड्यूरिंग द 40-day टेस्ट सीरीज, थर्ड रीडिंग आफ्टर 40-day टेस्ट सीरीज एंड फोर्थ रीडिंग विल डेफिनेटली बी यू नो बिफोर योर एग्जाम. सो 4 reading इज आई वुड से इनफ. फ्रेंकली आपके पास 5th reading के लिए टाइम ही नहीं है. सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. So you'll have to accept this reality. Are we clear in this about the next? About the 40 days test series and 2 months of preparation? Somebody had asked me. Yes. So third reading kabhi hoga. Third reading tumhara hoga 10th of April. Ke baad 10th of April se lekar 25th of April. 7 days and 15. Sorry, 7 papers and 15 days is 2 days per subject. After finishing a subject in 5 days, the next reading has to be in 2 days. Uska aur koi option nahi hai. Second, tumhara third reading tabhi hoga. Yes, then we have something interesting, MCQ type quiz. So, if you guys have seen our application, there is one section jahan pe test ka ek section hai. There we are going to upload on a timely basis some MCQ type questions. We all know tumhara exam is descriptive. So, MCQs will simply help you guys to memorize small things of a chapter. So, for example, तुम्हारा इंटर तो हुआ नहीं, अभी चालू होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन कंसाइनमेंट, सो आई मे आस्क यू नो क्वेश्चन लाइक डज प्रॉफिट कम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी, वेर डज द प्रॉफिट यू नो फ्रॉम द कंसाइनमेंट अकाउंट गो, वॉट डू यू मीन बाय डेल क्रेडर कमीशन, यू नो हु बेयर्स बैड डेट्स लॉस इफ डेल क्रेडर कमीशन इज पेड नॉट पेड. सो कंसाइनमेंट चैप्टर में से ही है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर नॉट कमिंग इन द एग्जाम, बट तुम्हारा एटलीस्ट एक चैप्टर का ऐसा बेसिक बेसिक रिविजन हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो समथिंग न्यू, हेल्प्स टू गेन कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली यस, मोर देन कॉन्फिडेंस तुम्हारा चैप्टर का रिकॉल वैल्यू आएगा. एंड ऑब्वियसली आई विल ओनली आस्क द डिफिकल्ट थिंग्स फ्रॉम अ चैप्टर. सो आई विल नॉट आस्क हु इज अ कंसाइनर, हु इज अ कंसाइनी, किसने बिल ड्रॉ किया, किसने बिल ड्रॉ नहीं किया. आई विल आस्क थिंग्स लाइक डेल ट्रेडर कमीशन, स्टॉक वैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस वैल्यूएशन, ऑल दीज थिंग्स आर इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट. तो इंटर के सब्जेक्ट्स में से विच एवर थिंग्स आर डिफिकल्ट मैं वही एमसीक्यू पूछूंगा. सो क्या होगा, तुम लोग का स्मॉल स्मॉल चीजों का रिविजन भी उसमें हो जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू. यस, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू न्यू फॉर योर बैच एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल दीज न्यू थिंग्स. एंड तुम्हारा ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, सो डोंट वरी अबाउट दैट.
एंड देन यू कैन सी अ लास्ट पॉइंट समथिंग कॉल्ड एज मंडे मीम्स. हैव यू गाइज देखा ही होगा, यू गाइज मस्ट बी लाइकिंग दोज मीम पेजेस. बहुत लोग कुछ फॉलो करते रहेंगे, ऑल द चैप्टर कॉन्सेप्ट आर कवर्ड, डेफिनेटली यस, ऑल दोज एमसीक्यूज विल बी डन. सो हैव यू गाइज, ऑब्वियसली सर, हाँ तुमको आजकल मीम्स बहुत फैशन में, यू नो बहुत पब्लिक को पसंद आता है, एंड फ्रेंकली वी ऑल लव इट, यू नो हु डजंट लव सम गुड ह्यूमर, यू नो इन मीम्स, एंड मीम्स आर एक्चुअली वेरी वेरी विटी एंड इंटेलिजेंट मीम्स एज वेल. सो वॉट वी डू, यू गाइज कैन फॉलो आर यू नो इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम ऑफ बेंचमार्क्स अकेडमी. वी ऑल्सो पोस्ट सम इंटरेस्टिंग मीम्स एज एंड वेन वी गेट टाइम एंड एज एंड वेन वी फाइंड समथिंग विच वी कैन रिलेट टू स्टडीज. सो हमारे बेंचमार्क्स के पेज पे, आई मीन तुम्हारे इंस्टाग्राम के पेज पे, यू गॉट मेनी मीम्स एंड ऑल दो शॉर्ट स्टोरीज टाइप्स ऑफ, यू गाइज मस्ट हैव हर्ड अबाउट दो शॉर्ट स्टोरी पेजेस ऑल्सो, लाइक टेरिबली टाइनी टेल्स और यू नो ऑल दिस, यू गाइज मस्ट हैव हर्ड, डेफिनेटली यस, आई एम जस्ट, यू गाइज मस्ट बी फॉलोइंग, या सो सो दैट इज समथिंग आई पर्सनली एंजॉय, यू नो रीडिंग, बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड विटी. सो वी ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग लाइक अ शॉर्ट स्टोरी और मेक अ मीम थोड़ा टाइम पास के लिए. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम दिस अटेम्प्ट समथिंग न्यू अगेन, दैट वी गाइज आर ऑल्सो गोइंग टू इन्वॉल्व यू गाइज हियर. सो मे बी एवरी मंडे, सी मंडे दिन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, मंडे इज डेफिनेटली वेरी स्ट्रेसफुल डे, तुम्हारा वीकेंड खत्म हो गया है, यू आर लुकिंग एट अ मंडे, लग रहा है पूरा वीक तुमको लेक्चर, अभी फ्रेंकली तुम्हारे लिए संडे मंडे एक ही होने वाला है, बट यू नो आफ्टर गिविंग अ टेस्ट ऑन संडे यू विल बी लाइक अ लिटिल रिलीव्ड एंड देन यू बी लाइक अरे मंडे वापस साइकिल चालू करना है. सो मंडे जनरली इज लाइक द मोस्ट हेटेड डे ऑफ अ वीक. सो वी थॉट चलो ये मंडे को हम इंटरेस्टिंग करते. सो वॉट वील डू, एवरी मंडे आई विल शेयर यू नो अ मीम, आई विल ट्राई, आई लाइक जितना हो सके आई विल बी डिसिप्लिन टू शेयर अ मीम ऑन मंडे, मैं ट्राई करूंगा, इट्स समथिंग आई वॉन्ट टू जेन्युइनली डू, सो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो मंडे आई विल शेयर अ मीम ऑन आर व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल टेक हेल्प फ्रॉम यू गाइज, एंड आई विल आस्क यू गाइज कि तुमको क्या लगता है ये मीम में क्या वर्डिंग हो सकता है, एंड जिसका भी सबसे इंटरेस्टिंग मीम होगा देन वील पुट दैट ऑन आर इंस्टाग्राम पेज, एंड ऐसे करते करते वील ऑल्सो इन्वॉल्व यू इन सम ह्यूमर. लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज एंड बींग सो सीरियस, वी बिलीव ऑब्वियसली. So we thought let's have some fun with students and in the process we'll also learn a lot of things from you guys. You guys will probably tell us ki sir ye meme bahut market mein chal raha hai, iske upar hona chahiye meme. You guys will be following, you guys will be following those pages probably more than us. So you guys can also contribute, tum log bhi humko kuch bhej sakte ho ki sir is hafte ye meme banayenge, us hafte wo meme banayenge, so we can have a little interesting Mondays. So that's what I'm planning to do. Obviously I can't do this alone, I will need your help as well. So I hope you guys are interested in such kind of टाइम पास थिंग्स. और तुम बोलो छोड़ो ना सर किसको मीम में इंटरेस्ट है, इज दैट द केस, या करेंगे ऐसे? विधि सेज डेफिनेटली, राज सेज यस सर, ध्रुमी सेज करेंगे, पब्लिक को तो पब्लिक अभी मंडे को टाइम पास के लिए और देख और यू नो पीपल विल लुक फॉरवर्ड लाइक टू अ मंडे नॉट टू स्टडी बट फॉर द मीम्स आई प्रिज्यूम. नहीं सर इंटरेस्टिंग है, चलो करेंगे फिर. तो ये मेरा पर्सनल यू नो आइडिया था, इट्स माई पर्सनल फेवरेट, बट आई कैन नॉट ऑब्वियसली फोर्स यू गाइज, बट आई लेट सी इफ यू गाइज आर गिविंग गुड रिस्पॉन्स वील कंटिन्यू, अदरवाइज तुम लोग पक गए तो मैं खुद ही कुछ मीम बना के अपलोड करूंगा. नहीं सर इंटरेस्टिंग है, चलो ठीक है देख लेंगे, वील डू सम टाइम पास. येस सो दैट्स हाउ आवर नेक्स्ट 7 months ईयर आर गोइंग टू टेक प्लेस. ओके 1 minute, ओके इट इज पॉसिबल दैट माई माइक का बैटरी विल गो इन सम टाइम, इनकेस दैट इज द केस प्लीज टेल मी योर आई एम ऑडिबल और नॉट, देन आई you know exchange the batteries, कभी कभी ऐसा हो जाता है. Then after finishing of your 7 months year, your journey after exam, तुम्हारा exams में होगा, hopefully तुम्हारा exams में तुम दोनों group दोगे, and we believe rather than waiting for the results we will do like a small farewell or a get together you know after your exams, where you know we'll help you with the articleship guidance. Maybe Bhavik or maybe me or maybe some other faculties will just help you out to not shortlist firms but tell you what articleship is. Tumhara articleship mein kaun se firms select karne mein advantage hai, which kind of interests are followed if you join this firm, or which firm mein tax acha hai, which firm mein audit acha hai, you know. We don't have the exact information, but yes, we can share some knowledge that we have. You guys can do your research as well, because this is something you guys have no clue about as of now. And don't think about articleship now. पहले तुम लोगों को exam देना है, तुमको दोनों group clear करना है. I think you guys are now eligible to start articleship only. I mean, even after clearing one group, is that the case? I think yes.
यस हाँ, सो आई थिंक यू गाइस आर एलिजिबल टू स्टार्ट आर्टिकलशिप बाय पासिंग वन ग्रुप ऑल्सो, बट देन इट डज नॉट मेक सेंस ऑन अ पर्सनल लेवल दैट यू गाइज स्टार्ट आर्टिकलशिप एंड वन ग्रुप इज पेंडिंग. बिकॉज इफ यू स्टार्ट आर्टिकलशिप एंड वन ग्रुप इज पेंडिंग, देन तुमको वो ग्रुप का पढ़ाई करने टाइम नहीं मिलेगा. वो आर्टिकलशिप नाम का होता है, यू गाइज आर गोइंग टू हैव वर्किंग आवर्स लाइक फ्रॉम 10 to 8 इन द इवनिंग, सो योर एंटायर डे विल बी गोइंग इन आर्टिकलशिप एंड आई डोंट थिंक यू गाइज विल गेट मोर देन 15-20 डेज लीव यू नो टू स्टडी फॉर योर एग्जाम, विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी लेस. सो माई एडवाइस टू एवरी वन इज गोइंग टू बी, अगर अगर एक ग्रुप क्लियर होता है और एक ग्रुप क्लियर नहीं होता है, सो आई ऑलवेज विदाउट फेल एडवाइज एवरी वन दैट यू गाइज फर्स्ट गेट योर स्टडीज आउट ऑफ द पिक्चर. तुम एक टाइम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो एंड देन आफ्टर क्लियरिंग बोथ द ग्रुप्स थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, देन आर्टिकलशिप करो. यू नो यू गाइज आर वेरी यंग, टाइम कहीं जा नहीं रहा है. एट द मोस्ट योर फ्रेंड्स विल स्टार्ट आर्टिकलशिप एंड यू विल स्टार्ट 6 months लेट, उसमें कोई फर्क नहीं है. सो थिंग्स लाइक यू नो दीज विल बी टोल्ड आफ्टर योर एग्जाम्स. तो फिलहाल अपना फोकस एग्जाम्स पे होगा, एक बार एग्जाम्स खत्म हो गया फिर अपन चिल कर सकते हैं, अपन फेयरवेल करेंगे, अपन मिलेंगे, अपन गाइडेंस करेंगे फॉर यू नो फॉर द आर्टिकलशिप, वी मे हैव यू नो वील ऑर्डर समथिंग टू ईट एंड ऑल, वो सब कर सकते हैं. ऑब्वियसली होपिंग दैट फेस टू फेस यू नो एसोसिएशंस हैपन. सो दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी एज फार एज योर इंटर सी इज कंसर्न एंड एज फार एज योर इंटर सी टाइम इज गोइंग टू बी कंसर्न एट बेंचमार्क्स. So, do you guys have any queries that can be addressed? बताइए. Was the last? मैं कब से बड़बड़ कर रहा हूं? अरे बाप रे, डेढ़ घंटा हो गया. Was the last 90 minutes interesting? Or you guys think यार कब से बातें कर रहा है, पढ़ाई चालू करते या टाइम पास पसंद है? पढ़ाई भी चालू करेंगे, टेंशन मत लो, तुमको अगले 7 महीने वही करना है. वही तो. यस, सो दिस इज हाउ इट वॉज कूल. ओके, वेरी गुड, थैंक यू नंदनी. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रोल यू नो फॉर द नेक्स्ट 7-8 months. एंड रिगार्डिंग योर शेड्यूल, यस वी हैव स्टार्टेड टूडे. सो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस, सो आई टेक कॉस्टिंग, सो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू गाइज टू द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर. सो ये वीक में ऑब्वियसली विल डू अ लेक्चर टूडे. मंडे से तुम्हारा इकोनॉमिक्स चालू हो जाएगा. ऑब्वियसली आई विल टेल यू गाइस द एंटायर शेड्यूल ऑन लाइक द व्हाट्सएप ग्रुप. नेक्स्ट वीक यू विल ओनली हैव वन लेक्चर, यू विल हैव ईदर इकोनॉमिक्स और यू विल हैव ओनली कॉस्टिंग. सो वन वीक वी डोंट वांट टू लोड यू गाइज विथ 6 hours ऑफ यू नो लेक्चर. तुम अपने सर के बाल खींचे चालू करोगे. तुम्हारा एग्जाम जस्ट ये फाउंडेशन खत्म हो गया, सो यू गाइज जस्ट गॉट वन वीक ऑफ यू नो हॉलीडेज एंड देन यू गाइज हैव स्टार्टेड एडमिशन. वहां भी टाइम इन एडमिशन Yes, hope I am audible now. Mics का battery have been replaced और exchanged. Perfect. Yes, thank you very much. हाँ, तो मैं क्या बोला था, I forgot. हाँ, so next week you will have only one lecture for the entire week. Let's take it easy. And उसके बाद we will do two sessions every day, 3 hours of two sessions either. And in all likelihood, we'll continue at least for some time with economics and costing, and accounts will start after some weeks. So I only take accounts, I take costing. So maybe we'll switch between some days accounts, some days costing,
एंड इको विल हैपन 3 to 4 days a week, तो उसका अलग ही है. सो जनरली वी ट्राई एंड डू वन सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, वन सब्जेक्ट थ्योरी. वी जनरली ट्राई एंड अवॉइड टू सेशन ऑफ थ्योरी जितना हो सके उतना. हैविंग सेड दैट, इफ टू फैकल्टीज आर फ्री हु आर टेकिंग ओनली थ्योरी, आई हैव नो ऑप्शन बट टू डू 6 hours ऑफ थ्योरी. नॉट समथिंग आई प्रिफर, बट बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम मे बी अवॉइड नहीं कर सकता उसको. सो वी ट्राई एंड एंश्योर दैट 3 or 4 सब्जेक्ट्स हैपन साइमल्टेनियसली, अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड अ मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एज वेल. सम पीपल मे प्रिफर थ्योरी, सम मे प्रिफर प्रैक्टिकल. आई बिलीव लॉ कब स्टार्ट होगा, आई कैनॉट गिव यू अ शेड्यूल राइट नाउ. यू नो मे बी आई हैव टू टॉक टू ऑल द फैक्ट. अभी फ्रेंकली दिस बैच वॉज अ लिटिल अनप्लैंड, वी डोंट नो मे का बैच है कि नवंबर का बैच होगा. सो बैच थोड़ा अनप्लैंड है, सो वी डोंट नो विच एग्जैक्ट मंथ्स. इट डिपेंड्स ऑन हिज यू नो शेड्यूल एज वेल. आई टॉक टू हिम, आई कीप यू गाइज पोस्टेड. बट एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 1 or 2 months, आई डोंट सी लॉ स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट 2 months. आई जस्ट चेक अकाउंट्स फॉर श्योर, कॉस्टिंग फॉर श्योर. इको विल कंटिन्यू टिल द ऑगस्ट एंड एटलीस्ट, एंड मे बी सम अदर थियरी सब्जेक्ट विल स्टार्ट. आई लेट यू गाइज नो अबाउट इट. हाँ, सो देन उसके बाद से वी विल डू 6 hours के सेशंस. आज लेक्चर तुम्हारा अभी आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू गाइज विद कॉस्टिंग फॉर सम टाइम. आई विल गिव यू गाइज सम ब्रेक बिकॉज तुमने बहुत लेक्चर सुन लिया है अभी. एंड टुमारो एंड डे आफ्टर आई वॉज प्लानिंग टू गिव अ लेक्चर टुमारो एज वेल, बट आई डू हैव सम कमिटमेंट टुमारो. सो वी विल डायरेक्टली मीट ऑन मंडे. सो आज लेक्चर होगा अपना, सैटरडे संडे तुम्हारा फर्स्ट वीकेंड है. तुम लोग थोड़ा चिल करो सैटरडे संडे, एंड मंडे से we will start with economics. And obviously in the entire week there'll be one subject only, either 1:30 to 4:30 or 5 to 8. मैं तुमको स्लॉट्स बोलता हूँ, प्रेफरेबली और इन ऑल लाइकलीहुड तुम्हारा 1:30 to 4:30 स्लॉट में I'll try and do it, ताकि तुम्हारा इवनिंग्स फ्री हो जाए. बट I'll just see when I am free, because I am doing lectures for November 21 batch as well. मेरा उस बैच में पोर्शन थोड़ा पेंडिंग है, सो आई विल बी डूइंग दैट लेक्चर एज वेल. सो आफ्टर दोज लेक्चर्स आई विल टेक योर लेक्चर्स. यस, so this is what your schedule is, and this was your small orientation about what is going to happen with CA Inter and what you guys are up to as far as benchmarks is concerned. Yes, any queries, general queries about studies or whatever that you guys have, we can address that. If not, we can take a 5 to 8 minutes ka chotu break, and then we can start. I'm not starting a chapter today. I'll simply introduce you guys with the basics of cost. I wanted to meet today. I wanted to give some small intro today before a faculty starts the lecture on Monday, because फिर बहुत घाई घाई होता है, मुझे बात भी करना है, फिर faculty को चालू करना है. So I thought I'll start like orientation today. I'll introduce with the basics of costing today, and then we can start Monday. I had posted a query above. एक मिनट, कहाँ गया हर्ष? क्या है तेरा query? ओके सर, बाय चांस वन ग्रुप क्लियर है, क्लियर नहीं हुआ, देन व्हेन आर वी सपोज टू गिव दैट ग्रुप एग्जाम? वेल, इन द नेक्स्ट 6 months. सो योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी May 22. सो इफ यू गिव बोथ द ग्रुप्स, एंड अनफॉर्चुनेटली एक ग्रुप क्लियर हो गया और एक नहीं हुआ, सो यू विल गिव दैट. यू आर एलिजिबल टू गिव इन November 22, एंड सिंस 4 सब्जेक्ट ही होगा, तुमने एक बार पढ़ लिया है फॉर मे, इट शुडंट बी लेस टाइम अकॉर्डिंग टू मी. सो इट्स इज इनफ इन November 22. Yes, Niharika. Sir, so over the months it's going to get more and more hectic, or pehle se hi same consistency of number of lectures? It'll be same, you know. See, because your college lectures, I believe, will go on at least till 11:30-12 when colleges start. Ab tak start nahi hua hai. So when colleges start, it will go on at least till 11:30 on some days. It may get your degree colleges gets over on some days 10 o'clock. In some days, maybe 11:30, some days 12:20 also. So I cannot start a lecture before 1. The earliest I can start is like 1 o'clock. So if a faculty is free at 1, then we start at 1 o'clock. So maximum I can do is 1 p.m. onwards, and it will go until 8:30. Holidays, just 1 minute, I'm getting a call, just 1 minute, guys. Yes, so consistency same ही रहेगा तुम्हारे lectures का. We'll start 1 and then we'll end at 8. And in case you guys have some holidays during Diwali or maybe New Year, I don't know अभी college में क्या, I think अभी Diwali में कम छुट्टी मिलता है.
आई थिंक प्रीवियसली यूज टू गेट 3 वीक्स और समथिंग. अभी सिंस यू गाइज आर स्टार्टिंग लेट, तुम्हारा शायद छुट्टी कम हो जाएगा, बट इनकेस देर इज अ ब्लॉक हॉलीडे फॉर एवरी वन, देन वी कैन डू अ लिटिल एक्स्ट्रा लेक्चर. सो दैट इज ओनली थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट तो यू नो इट विल बी नॉर्मल 1:30 ऑनवर्ड्स, एंड जनरली लेक्चर्स कैंसिल नहीं होता है, बट अभी का टेक्नोलॉजी है, कभी क्लास का इंटरनेट चल नहीं रहा है, कभी नेट वीक हो गया, कभी कुछ मेंटेनेंस काम चल रहा है और नेट डाउन है. सो यू नो ऑल दीज रीजन से लेक्चर एक हाथ दो कैंसिल हो सकता है. जितना हो सके वी ट्राई एंड डोंट कैंसिल, बट अगर कोई फैकल्टी के बिल्डिंग में या वाईफाई या उसका फोन का नेट खराब है, सो ही कांट रियली डू मच, एंड इतने लास्ट मिनट पे आई कांट फिक्स अ फैकल्टी कि भाई तू लेक्चर ले ले अभी. सो थोड़ा सा 19-20 होगा बिकॉज ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स. लास्ट बैच में अ कपल ऑफ कैंसिलेशंस, लाइक अ वेरी फ्यू, अ वेरी हैंडफुल ऑफ देम हैपेंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट. सो वो सब होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट योर लोड ऑफ लेक्चर्स विल बी कंसिस्टेंट, 1:30 to 8:30 मैक्सिमम, एंड वी हैव अ पॉलिसी ऑफ जनरली एंडिंग द लेक्चर्स बाय 8:30. 8:30 के बाद अगर बहुत ही जरूरत है, मे बी एंड में जब पोर्शन कवर अप करना है, बहुत कम टाइम है, देन वी मे स्ट्रेच अ लिटिल लॉन्गर, बट वी ट्राई एंड एंश्योर दैट 8:30 के अंदर वी फिनिश ऑफ. इन द प्रीवियस बैच ऑल्सो वी हैव डन नो लेक्चर्स बियॉन्ड 8:30. 8:30 इज अ मैक्सिमम टाइम, उसके बाद वी डोंट कीप लेक्चर्स. हम तुम्हारा लंच और हम तुम्हारा डिनर में इंटरफेयर नहीं करते. जितना हो सके वी ट्राई एंड एटलीस्ट फ्री यू ड्यूरिंग योर लंच एंड डिनर टाइम्स. यस, सो एनी मोर क्वेरीज विच आई कैन एड्रेस? नो सर, नो सर. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वील टेक अ 10 मिनट्स ब्रीदर. तुमने एक साथ बहुत सारा सुन लिया है, मैंने भी एक साथ बहुत सारा बोल लिया है, तो 10 मिनट्स ब्रीदर विल टेक, एंड देन आई विल सिंपली इंट्रोड्यूस यू गाइज विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट. आई विल नॉट बोर यू गाइज मच, 1-1.5 आवर मैक्सिमम आई विल टेल यू गाइज व्हाट कॉस्ट इज, हाउ इज द सब्जेक्ट, जस्ट अ जनरल इंट्रोडक्शन. दिस विल हेल्प मी टू स्टार्ट अ लेक्चर व्हेन आई स्टार्ट नेक्स्ट वीक. सो बेसिक इंट्रो लूंगा मैं, आई विल नॉट टेक मच टाइम, एंड देन वी कैन डायरेक्टली then you guys will directly have a lecture on Monday. Saturday, Sunday, first day है अपना, तो तुम थोड़ा chill कर लो, या Saturday, Sunday lecture ले लूँ मैं, या chill करना तुम लोग को Saturday, Sunday. Your first, I guess, is this your first weekend after exams? तुम्हारे exams खत्म कभी हुआ? तुम्हारा exams हुआ 30th exams got over, तो you guys have only got one weekend, वो भी exam के just तुरंत बाद. वो तो इन ऑल लाइकलीहुड स्ट्रेस में गया होगा. यू गाइज मस्ट बी डिस्कसिंग, अरे मैथ्स कुछ आया नहीं, अकाउंट्स कुछ आया नहीं, बोर्ड पेपर टफ था, वो वीकेंड उसी में निकल गया होगा या फिर नींद में निकल गया होगा. यू गाइज मस्ट हैव स्लेप्ट. एग्जैक्टली, लास्ट फ्राइडे एग्जाम था, हाँ वो लास्ट वीकेंड वो स्ट्रेस में ही गया. सो लेट दिस वीकेंड गो स्ट्रेस फ्री. कुछ सोचने का नहीं है, सीए इंटर का मत सोचो, सीएफसी का मत सोचो, जस्ट रिलैक्स. यू नो यू कैन व्यू योर नेटफ्लिक्स and Amazon Prime and Sony Live and all the like series you guys may have missed, binge on, you know, kya hai tumhara Family Man and aur kya dekhne aisa, I don't know, Mirzapur, I don't know, aaya ka dusra mujhe yaad hi nahi hai. Haan sir, neem to bahut aayi, kya baat hai, neem to aayega. Haan, so aur kya tumko dekhna hai binge mein, there is Family Man and kya Maharani, aur kya hai, I don't know. थैंक यू फॉर स्पेरिंग दिस वीकेंड. यस, तो जो तुमने, हाँ बहुत है, हाँ जो तुम्हारा मिस आउट हो गया बिकॉज ऑफ सी ए फाउंडेशन एग्जाम्स, वो पूरा कसर निकालो वीकेंड पे, पूरा बिंच कर लो मस्त, सैटरडे संडे चिल करो बिंच करते करते. तूफान, ओ या तूफान, एक्सट्रीम है लिस्ट. ओके, सो वरुण हैज बी द लिस्ट ऑल्सो, तुम्हारा सब लिस्ट रेडी है. आज तुम्हारा लिस्ट है नेटफ्लिक्स देखने का, आफ्टर सम वीक्स तुम्हारा लिस्ट होगा पेंडिंग पोर्शन, टेस्ट, वाइवाज, डाउट सॉल्विंग, तुम उसका लिस्ट बनाओगे. टाइम्स विल चेंज, बेंचमार्क्स ऐप, यस टाइम्स विल चेंज, नेटफ्लिक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय बेंचमार्क्स ऐप. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नंदनी बहुत आगे पहुंच गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो ये वीक तुम लोग चिल मार लो, विल टेक अ 10 मिनट ब्रीदर वेन यू गाइज विल हैव सम लिटिल टाइम टू ब्रीद, नाश्ता पानी थोड़ा करके आ जाओ, एंड 10 मिनट्स में विल जस्ट डिस्कस अबाउट सर्टन कॉस्ट्स. आई विल इंट्रोड्यूस टू व्हाट आई एम सिंपली इंट्रोड्यूसिंग यू गाइस टू द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग, एंड वेल दैट्स इट, नॉट मोर देन 1 आवर, 1 आवर मैक्स.
ठीक है, सो आई विल मीट यू गाइज इन 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ. मैं आई एम नॉट क्लोजिंग द सेशन, ये सेशन ऑन ही रहेगा अपना. सो यू गाइज कैन टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड आई अगेन ज्वाइन. ठीक है, सी यू गाइज इन 10 मिनट्स. बाय.